शिक्षार्थियों आज फिर हम आपके साथ तीन बजे से लेकर पाँच बजे तक रहेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह एक शैक्षिक कार्यक्रम है और इसमें डी के विषयों पर चर्चा की जाती है आज भी हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने उसके लिए टोल फ्री नंबर है वन एट डबल ज़ीरो वन एट ज़ीरो टू फाइव फोर थ्री ई है वागदा एट एन आई ओ एस डॉट ए सी डॉट इन शिक्षार्थियों आपकी 504 और 505 की परीक्षाएं जल्दी होने वाली हैं और हम चाहते हैं कि विभिन्न विषयों पर आपसे बातचीत की जाए ताकि विषय को स्पष्ट रूप से आप समझ सकें और परीक्षा में उनका उत्तर दे सकें आज हम पर्यावरण अध्ययन के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन में संसाधन एवं सामग्री का उपयोग कैसे करें इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसके लिए हमने दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है मैं सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार प्रिंसिपल हरिहंत कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैं आपका स्वागत करता हूँ और हमारे साथ मिस उपासना चौधरी हैं लिंग्या यूनिवर्सिटी से आपका भी स्वागत है शिक्षार्थियों पर्यावरण अध्ययन के बारे में पहले भी हम लोगों ने बातचीत की है और यह विषय बड़ा ही रोचक है और इसमें हमारे समाज से हमारे परिवेश से और देश दुनिया से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो पर्यावरण में हम शामिल करते रहे हैं इसलिए हम देखेंगे कि किस तरह से संसाधनों का प्रयोग किया जाए सामग्री का प्रयोग किया जाए ताकि शिक्षण अधिगम को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके तो मैं पवन जी से अनुरोध करूंगा कि इस चर्चा को शुरू करें नमस्कार जैसा कि सर ने आपसे चर्चा की कि शिक्षण अधिगम सामग्री में संसाधनों का प्रयोग सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि संसाधन कहते किसे हैं संसाधन से अभिप्राय है कि जो भी कुछ उद्देश्य टीचर बनाता है अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है या जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसको हम संसाधन कह सकते हैं अर्थात हमारे शिक्षण के उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए कितने पूरे हुए और कैसे उनको पूरा किया जाएगा हम संसाधनों के माध्यम से उसको जान सकते हैं संसाधन एक अध्यापक के पास बहुत सारे होते हैं जिनसे कि वो अपने शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रभावी बनाने की कोशिश करता है शिक्षण अधिगम सामग्री प्रभावित तब होगी जब उसके संसाधन अच्छे होंगे संसाधनों से एक अध्यापक अपने जी जो मैटर है उसका जो वो पाठ्य सामग्री लेकर के आया है जो विद्यार्थियों को ट्रांसफ़र उसको करनी है उस सामग्री को संसाधनों के बिना वो अच्छे से विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचा सकता बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो कि अध्यापक को यूज करने चाहिए और उन संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थी को सिखाने का प्रयास करना चाहिए टीचिंग लर्निंग में केवल लेक्चर मेथड से काम नहीं चलता है संसाधनों का उपयोग जितना ज़्यादा हम करेंगे उन संसाधनों को उपयोग में लाते हुए अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरा करें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संसाधन यदि आप देखें कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड का जो यूज करता है वो भी एक संसाधन के अंतर्गत आता है तो ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करना है ये हमें देखना होगा चौक वो भी संसाधन के अंतर्गत आता है कंप्यूटर वो भी साधन के संसाधन के अंतर्गत आता है और जितने भी सामग्री कक्षा कक्ष के दौरान उसके पास है उन सभी सामग्रियों के दौरान के साथ वो अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करता है संसाधन में आप कहें कि अध्यापक भी अपने आप में एक स्वयं संसाधन है वो अपने आप को कैसे डेवलप करता है कैसे अपने ए, शिक्षण का विकास करता है कैसे अपने मेथड्स को यूज करता है वो डिपेंड करता है कि हम अपने आप में कितने अच्छे संसाधन हैं तो हम सब को विद्यार्थियों को ये समझने की आवश्यकता है कि जितने भी स्रोत हैं जितने भी संसाधन हैं सोर्सेज हैं सीखने के उन सब संसाधनों को इतना अच्छा बनाएं ताकि विद्यार्थी की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके इन संसाधनों का महत्व तो ये है कि विद्यार्थी जब पढ़ने लगता है तो बहुत सारा जो मैटर है वो उसको समझ में नहीं आता है बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि हमने उदाहरण तो दिया लेकिन वो सटीक उदाहरण नहीं बैठा इसलिए विद्यार्थी की समझ में नहीं आया तो संसाधन हमें हेल्प करेंगे कि उस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक तो अपने मैटर को पहुंचाया जाए और विद्यार्थियों की जो सीखने की जो प्रक्रिया है शैक्षिक उपलब्धि है उसको संसाधनों के माध्यम से हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं संसाधन आप संसाधनों के प्रकार पर उपासन में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के संसाधन हमारे पास हैं उन संसाधनों को देखें तो मुख्य रूप से सामूहिक संसाधन संस्थागत संसाधन प्रकृति से सं प्रकृति में जो विद्यमान है वो संसाधन मीडिया के आजकल बहुत सारा जो प्रयोग होने लगा है शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया में उनको मीडिया संसाधन कहते हैं प्रौद्योगिकी संसाधन जो कि टेक्नोलॉजी से हमारे अब निरंतर डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसको हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रौद्योगिकी कैसे उसमें टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है हमारी एजुकेशन को बढ़ावा देने में मानव निर्मित संसाधन जैसा कि प्रकार में अभी चर्चा होगी तो मानव ने जो अप जो बनाए हैं संसाधन उन संसाधनों के द्वारा जो बना बना करके विद्यार्थी को सिखाने का जो प्रयास किया है उन संसाधनों के माध्यम से यदि हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं क्रम से यदि हम देखें तो उपासना मैम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपसे चर्चा करें अगर हम संसाधनों के किस प्रकार हैं उस पर अगर हम देखें तो सबसे पहला है कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी कि सामूहिक संसाधन जिसमें हमारी कम्युनिटी में जो भी लोग आते हैं जैसे कि कम्युनिटी हेल्पर्स कॉबलर कारपेंटर ये सभी कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं जो हमें ई पढ़ने में जब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें जितने भी कम्युनिटी में रिसोर्सेज हैं यानी कि हमारी कम्युनिटी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी है जो हमारी मदद करेगी कि अगर हम कोई विज़िट करना ना चाहें तो कम्युनिटी में जितने भी संसाधन हैं वो सामूहिक संसाधन कहते हैं अगला है इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हमारी जो जिस संस्था से हम जुड़े हुए हैं वो भी एक प्रकार का रिसोर्स है यानी कि संसाधन है इंस्टीट्यूशन में आता है हमारा स्कूल कॉलेज या जो भी हमारी जो लोकल रिसोर्सेज भी हैं लोकल कम्यूनिटीज हैं जैसे एम हो गया तो जितने भी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्ड हैं वो संस जो संस्थाएं इन्वॉल्व हैं उसको संस्था संस्थागत रिसोर्सेज कहा जाता है यानी कि संसाधन कहा जाता है तीसरे प्रकार के रिसोर्सेज जैसे कि सर ने बताया नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्सेज इन द नेचर जो प्रकृति में उपलब्ध हैं जो सभी को उपलब्ध हैं वो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जैसे अगर हम पार्क में बच्चों का पार्क में ले जाते हैं बच्चों को या कोई कम्युनिटी में लेके जाते हैं तो जितने भी रिसोर्सेज नेचर में अवेलेबल हैं दैट आर कवर्ड अंडर दिस जिसमें प्रकृति से रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं हम अगर बच्चों का विजिट उसमें करवाते हैं तो वो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के दौरान जो हम यूज़ करेंगे वो प्राकृतिक संसाधनों में आता है फिर है मीडिया रिसोर्सेज यानी कि मैं चर्चा करना चाहूँगा सॉरी उसके लिए डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा सा कि जैसे प्रकृत प्राकृतिक जो संसाधन है उसमें जैसे आपने चर्चा की माली के पास हम गार्डन में ले जाते हैं और हम बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देने के लिए हम किसान से भी उसका इंटरव्यू करा सकते हैं कि कितने प्रकार के वो बीज यूज़ करता है कौन कौन से किस मौसम में कौन सा बीज प्रभावी होता है कैसे जैसे ज़्यादा सर्दी कहाँ दिक्कत करती है फसल में और कौन सा बीज किस मौसम में कौन सा पेड़ किस मौसम में कैसे डेवलप करता है तो कैसे उसको प्रकृति कैसे उसको नुकसान पहुंचाती है या उसको अच्छा बनाने में कैसे हेल्प करती है तो हम उसमें भी किसान के पास भी स्टूडेंट को ले जा सकते हैं और स्टूडेंट से उनका चर्चा करा सकते हैं बच्चों की क्योंकि जो किसान है वो प्रैक्टिकली वो सारा कुछ देखता है तो प्रैक्टिकली वो खेत में काम भी करता है तो उसे मिट्टी का जैसे आप देखोगे तो मिट्टी का किसान देख करके बता देता है कि ये मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है तो इसमें फसल ज़्यादा अच्छी होगी इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं होगी खाद का है जैसे कौन सा खाद कितना जैसे विद्यार्थी है छोटे बच्चों को नहीं पता होता है कि खाद डालने से फसल जल भी जाती है जबकि पॉजिटिव वे में यदि आप लोगे तो खाद जो यूज किया जाता है फसल को बढ़ावा देने में यूज़ करते हैं उसको तो और नुकसान भी करता है वो ज़्यादा यदि हम उसको नुकसान ज़्यादा डाल देंगे तो वो नुकसान भी करता है और जैसे मौसम की जानकारी बहुत सारी है जैसे किसानों की तो किसान जैसे एक, एक किसान से मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा उसकी कि एक किसान ने चर्चा की कि हम जैसे फसल बोते हैं और आसपास जैसे पेड़ हैं तो हम हर साल उस पर ये महसूस करते हैं मतलब देखा है हमने कि जो बया है जो चिड़िया है जो घोंसला बनाती है तो वो मौसम की जानकारी पहले से हमें मिल जाती है उसमें कि जैसे ऊपर यदि बनाया है घोंसला चिड़िया ने पेड़ के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि अब की बार जो है अब के मौसम में जो है वो बारिश कम होने वाली है और यदि पेड़ के बीचों बीच यदि वो घोंसला बनाया है तो वो उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान लगाते हैं कि ये बारिश इसका मतलब अब मीडियम बारिश अब की बार होगी ना ज़्यादा कम होगी ना ज़्यादा ज़्यादा होगी तो और सबसे नीचे जो बिल्कुल पत्तों के नीचे जाके नीचे वाली टहनी पे जब बनाते बनाती है चिड़िया तो वो किसान चर्चा कर रहा था कि तब जब बनाती है ये जब बहुत ज़्यादा कई बार मौसम की मार पड़ने वाली है तो उसकी वजह से ये इसको पहले से ही पता चल जाता है कि वो नीचे बनाती है तो इसका मतलब ये है कि हम विद्यार्थी के संसाधन जो आसपास के संसाधन हैं जो जितने भी लोग काम में लगे हुए हैं चाहे जैसे अपने बढ़ई का उदाहरण दिया तो बढ़ई जैसे काम करता है तो उसको बच्चों को सिखाने की कोशिश करें तो उससे क्या है कि वो कितना बड़ा आ, 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 उसको फट्टी जिसको बोलते हैं वो कितना बड़ा लेना है कितनी बड़ी चेयर बनानी है चार पे टिकता है कैसे तीन टांग पे कैसे चेयर बनाई जाती है तो जैसे वो काम करेगा तो हमें उससे उसका मापन की योग्यता उसकी बच्चे की बढ़ जाएगी और जो बना जो सामान बनाने की योग्यता है वो भी बढ़ जाएगी और उससे ये पता चलेगा कि एक चेयर बनाने में कितना कितना लकड़ी यूज होता है तो कितना ख़राब होता है तो बच्चों के अंदर वो स्वाभाविक जो संस्कार है वो अपने आप आने लगते हैं तो किसान के पास भी ऐसे ही जब हम ले कर के जाएंगे या सब्ज़ी वाले जो करने वाले माली लोग हैं उनके पास ले कर के जाएँ पार्क में काम करने वाले लोग हैं तो बच्चों को नहीं पता होता कि पार्क के जो किनारे किनारे जो उसके कटिंग करने में कितना समय लगता है और कितना दिमाग मस्तिष्क उनको लगाना पड़ता है माली को तो जैसे ही हम उनसे उनके इंटरव्यू कराएंगे और कोशिश करेंगे बताने की तो हमें निश्चित है कि बच्चों को जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उस संसाधन के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जिसकी हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की जो एजुकेशन है वो मैं समझता हूँ कि ज्यादा मिलेगी बच्चों को और आपकी बातों से ये भी निकल के आ रहा है कि ये जीवन के बहुत ही आवश्यक अनुभव है जी जब बच्चा बड़ा भी होगा जी तो ये सारे अनुभव उनके काम आएंगे जी। हाँ वो जितने व्यवसाय के लोग हैं अगर उनके प्रोफेशन के बारे में अगर जिसको कहते हैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो बिल्कुल तो हर जगह काम आएगा वो बिल्कुल अगर अगर हाँ, गाइडेंस काउंसलिंग का भी काम करेगा वो, जी हाँ, मान लीजिए बाद में का काम कराना है आपको बिल्कुल तो पता तो होना चाहिए कि कैसे होता है हाँ वो सारी चीजें बता पाएगा फिर उसको भी कराना क्या है कई बार ऐसा होता है कि हमें कराना कुछ और होता है और हम बता भी नहीं पाते हैं उसको क्योंकि हमें पता है अनुभव ही नहीं है उस चीज का तो जितना ज्यादा अनुभव होगा तो वो फिर हमें आप मान लीजिए कृषि वैज्ञानिक बनते हैं बाद में चल के बिल्कुल कृषि के बारे में नहीं पता है आपको तो आप कैसे सुझाव देंगे और इनोवेशन कैसे करेंगे बिल्कुल हाँ उन्हें फसल का भी पता नहीं होता है कि जैसे आम किसान हैं अभी तो उन्हें यही नहीं पता कि कौन सी फसल ज़्यादा फ़ायदा देगी कौन सी कम फायदा देगी क्योंकि उन्हें उन्हें को सिंपल पता है बस चावल की फसल कर ली और गेहूं कर लिया या गन्ना कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन फसलों में ही वो काम करते हैं तो अब जैसे जागरूकता जैसे फैल रही है तो बच्चों को जैसे एन्वायरमेंट में पढ़ाने भी लगे अब जैविक खेती और उसका जो कंसेप्ट है अब आने लगा है कि अब किसान भी उसके प्रति जागरूक होने लगे जैसे दूध का उत्पादन है तो जैसे देखेंगे कि आप आठ से दस साल पहले दूध के उत्पादन को फिर इतना किसान महत्व तो नहीं देता था अब महत्व तो देने लगा है कि क्यों क्योंकि वो एनवायरमेंट के साथ मिल कर के अब चलने लगे तो जैसे किसान से यदि हम बच्चे को किसान के पास लेकर के जाए और आज बच्चों को जैसे हम पढ़ाते हैं सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा कि अलग अलग करो उसको और गीले से फिर क्या करते हैं कि उसको गला के सड़ा के गड्ढे में बंद करके पानी डाल के तो उसको खाद बायोगैस उसको बनाने की कोशिश करते हैं खाद को तो यदि हम बच्चों को यही बताएं कि सुबह सु, बच्चों उसको पशु को यदि हम सुबह से वो जो आपका छिलका है किसी भी सब्जी का छिलका हो सकता है या कोई और सामान जो गीला है जो जो पशु खा सकता है तो वो शाम तक उसका खाद बन करके हमारे सामने आ जाता है या शाम को खिलाएंगे तो सुबह तक वो खाद बन करके आ जाए तो बच्चों को ये किसान ये चीज़ें बताता है किसान तो किसान जी कोई किसान मेरे से चर्चा भी कर रहा था मैंने एक बार जैसे अभी चर्चा कर रहा मैं उसी किसान ने हमें बताया कि खाद का इतनी जल्दी से ट्रांसफर के गीले कूड़े का एक कोई भी मशीन आपकी नहीं कर सकती जितना पशु कर देता है तो आप उसको संभाल करके रखें और पशु को खिलाएं उसको तो जल्दी से जल्दी वो बच्चे बच्चों के दिमाग छोटा बच्चा उस चीज़ को जल्दी कैच करता है तो उसको बहुत सारी एजुकेशन साथ साथ जैसे दूध के उत्पादन की बात आ जाएगी जब जा खाद बनाने की उसमें बात आ जाएगी और आप देखोगे कि पशुपालन में क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है वो बातें आ जाएंगी अभी एक न्यूज़ आइटम देख रहा था मैं टी वी कि एक लेडी एम किया हुआ जॉब नहीं किया उन्होंने और नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर फार्म हाउस खरीदा और वहाँ पे वो खेती कर रही हैं एक साल में चार फसल छह फसल और तरह तरह का मतलब जिसको वो कहते हैं ना क्रॉस बेटिंग करके तरह तरह से फल भी तरह एक ही पेड़ में कई तरह के फल तो मतलब कितना आगे बढ़ गया है अगर बच्चे ये सब देखें हाँ, तो प्रैक्टिकली यदि उसको लेकर ले, लेका जाएं हम जाएंगे तो ज्यादा सीखने का प्रयास होगा और वो याद भी बहुत दिन तक रहता है अनुभव जी हाँ और पढ़ा हुआ तो बहुत जल्दी बच्चा भूल जाता है तो नेक्स्ट आप चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज यानी कि प्रौद्योगिकी संसाधन इसमें आता है हमारा कंप्यूटर लैपटॉप जो एक टीचर भी यूज़ कर सकती है और एक स्टूडेंट भी यूज़ कर सकता है मोबाइल फ़ोन्स जो रेडिली अवेलेबल है हर बच्चे के पास हर टीचर के पास जिस इंटरनेट द्वारा वो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं तो ये टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज में आता है ह्यूमन रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्स जो कि एक टीचर और स्टूडेंट हैं खुद क्योंकि टीचर एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी संसाधनों को जोड़ती है और ई वी एस में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसिस देती है वो लर्निंग एक्सपीरियंसिस कम्यूनिटी के माध्यम से भी कर सकती है इंस्टीट्यूशन डिपेंडिंग ऑन उसने क्या पढ़ाना है ई वी एस में अगर उस, उसका चुनाव वो करती है कौन से लर्निंग रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं तो टीचर एक ऐसा रिसोर्स है जो इन्हीं सभी सूत्रों को इन्हीं सभी रिसोर्सेस को संसाधनों को एक साथ जोड़कर बच्चों को सिखाती है टीचिंग लर्निंग आउटकम्स के लिए और मुझे मैडम कभी कभी कि टीचर अपने को रिसोर्स शायद नहीं मानते बाहर ही खोज ढूंढते रहते हैं कि बाहर के रिसोर्स मिल जाए नहीं। अगर नहीं। अपने को समझें कि केंद्र बिंदु तो वही है और रिसोर्सेज का तो केवल सहारा लेना है अगर अच्छे से अपने रिसोर्सेज को उपयोग में किया लाए उसको तो मैक्सिमम फायदा होगा उसको तो इसीलिए तो वो यूज भी किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय न कि शिक्षा मंत्रालय उसको नहीं देखिए तो, कि अपने आप अपने आप को भी माने कि मैं मैं अपने आप में एक डेवलप क्योंकि मेरे पास जितना ज्ञान रहेगा और जितना मेरे पास संसाधन ज्यादा अच्छे होंगे जितना मैं अपना डेवलप करूँगा तभी मैं दूसरे का कर पाऊंगा यदि मेरे में कहीं ना कहीं कमी होगी तो निश्चित है कि वो कमी विद्यार्थियों को नुकसान करेगा संसाधन का उपयोग भी सही तरीके से नहीं कर सकेंगे हाँ संसाधनों का उपयोग वो आएगा ही नहीं हमें क्योंकि हमें तो खुद आता नहीं कंप्यूटर चलाना तो फिर बच्चे को कहाँ से सिखाएंगे हम और बहुत सारे जैसे संसाधन है मान लो टीवी है मीडिया संसाधन की जैसे मैडम ने बात की अभी तो टीवी है टीवी का उपयोग जनरली मूवी देखने में और नाटक आदि देखने में या स्पोर्ट्स में ये इसमें ज़्यादा यूज होता तो जैसे डिस्कवरी चैनल है हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें दिखाने एनवायरमेंट के संदर्भ में यदि हमें नहीं। उसके, नहीं। हाँ, का चैनल हाँ है है। हिस्टोरिकल जितने भी चैनल हैं वो बच्चों को दिखाएं क्योंकि उसको जोड़ अपने से खुद से जोड़ करके वो लेकर के चलता है इतिहास मान लो कि कहीं खुदाई चल रही जैसे अभी हरियाणा में कहीं मिला है तो वो यदि बच्चों को सिखा टी वी दिखाएंगे हम तो टी का प्रयोग करें तो वहाँ करें रेडियो का प्रयोग करें तो वहाँ करें समाचार पत्र है जैसे न्यूज पेपर हैं तो जनरली यूज़ पेपर बड़े ब, 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 घर के बड़े लोग पढ़ते हैं या टीचर लोग पढ़ते हैं समाज के सोसाइटी के तो बच्चों को भी कोशिश करें हम ज्यादा से ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने की आदत उनको डालें क्योंकि जैसे जितना पढ़ना उसका यदि आ गया इसकी अब जैसे सिलेबस में भी अब तो टीचिंग में एन ने एक पेपर लगा दिया है रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट करके तो इसका मतलब ये है कि हमारे अध्यापकों के पास रीडिंग करने का क्योंकि जब तक रीडिंग नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से तो रीडिंग करने की आदत यदि अध्यापकों के अंदर आ गई तो चिंतन स्तर उसका बढ़ता चला जाएगा और वही आदत हम अपने विद्यार्थियों में भी धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर दें तो कोशिश करें जो भी उनको इंटरेस्टेड लगता है बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स की पत्रिकाएं हैं या स्पोर्ट्स का कोई पढ़ना है तो बच्चों को वो पढ़ाएं यदि वो फिल्मों के बारे में मूवीज़ के बारे में पढ़ना चाहता तो वो पढ़ाएँ एक बार पढ़ने के लिए उसको प्रेरित करें जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा तो ज्ञान तो आपको कहीं भी मिल सकता है तो हिस्टोरिकल भी मूवीज बनती हैं जैसे मान लो मूवी देखने का शौक़ है तो बच्चों को दिखाएं तो हिस्टोरिकल मूवी दिखाएं टेक्नोलॉजिकल मूवी दिखाएं तो वो दिखाएंगे तो उससे उसका संसाधनों को प्रयोग करना सीखेगा और उन संसाधनों से फिर आप उसको पर्यावरण की तरफ ले जाएं तो पर्यावरण के संदर्भ में जितनी भी बातें वहाँ से वो लेकर के आएगा डिस्कवरी से जैसे अब अभी डिस्कवरी ज्योग्राफिक चैनल की बात करते हैं हम लोग तो उसमें सारे जितने भी मौसम हैं उन सब के मौसम को वो साथ साथ दिखा देते हैं कौन से मौसम में कौन सी चीज़ और कहाँ पर कैसे खाना सही रहेगा नहीं रहेगा कौन कौन से हमें जैसे एक दिन मैं ही खुद देख रहा था मुझे खुद नहीं पता था कि जैसे उसमें जियोग्राफिकल चैनल में आया हुआ था कि जंगल में यदि आप भटक गए संसाधन प्राकृतिक संसाधन वन यदि आप बात करोगे तो जंगल में यदि आप भटक गए तो आपके निकलने का जो रास्ता है तो एनवायरमेंट के संदर्भ वो एजुकेशन दे रहा है कि आप कोई छड़ी लीजिए उस छड़ी से उसको सीधा करिए और सीधा करके वहाँ तक जाइए फिर उसको सीधा लगाइए तो आप एक किनारे जा करके निकलोगे और यदि जंगल में यदि आप भटक गए बिना छड़े गए यदि भटक गए तो फिर आप भटकते ही रहोगे आप निकल नहीं सकते जंगल से तो बता रहे कि इसका सबसे आसान साधन ये है कि एक बड़ा सा डंडा लो उसको अपने बिल्कुल सामने सीधा कर दो वहाँ तक पहुँचो फिर सीधा कर दो तो सीधा करोगे तो जंगल से वो आपको पार ले करके चले जाएगा तो ये इसका मतलब ये है कि पर्यावरण की जो शिक्षा है संसाधनों के माध्यम से यदि हम कोशिश करें तो मीडिया के संसाधन है अपने टेक्नोलॉजी वाले जितने जैसे मोबाइल यूज करते हैं हम लोग तो मोबाइल पे कोशिश करें बच्चों को एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं जितने भी मूवी आती हैं या शॉर्ट फिल्म आती हैं या कोई मैसेज है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें दिखाने की कंप्यूटर का या लैपटॉप का यूज करना सिखाएं तो उसका यूज़ भी खाली गेम खेलने में ना करें उसको कोशिश करें कि बच्चा एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातों से को सीखने की कोशिश करें उससे ई कचरा जैसे बात करते हैं तो कंप्यूटर की जितने भी लैब में बहुत सारे कंप्यूटर में देखता हूँ जिस भी किसी कॉलेज या स्कूल में जाओ तो कंप्यूटर जो चलने वाले हैं जो काम के हैं वो तो हैं दस बारह और कोने में जो रखे हैं वो पचास तो इसका मतलब क्या है कि एनवायरमेंट के प्रति उस लैब वालों इतने सेंसिटिव नहीं है कि जिससे कि वो कोशिश करें कि इसमें कम से क्योंकि थोड़े दिन बाद ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप हमारे सामने ले लेगा ले और इसको हमें संभालना बहुत मुश्किल होगा तो ज़रूरत है कि बच्चों को बचपन से ही सिखाएं क्योंकि हम करेंगे तो बच्चा करेगा नहीं।, नहीं तो बच्चे भी क्या करेंगे कि एक लैपटॉप आया दूसरा लैपटॉप नई टेक्नोलॉजी का आ गया वो ले लिया फिर तीसरा ले लिया तो उसको संसाधनों को अपने यूज के लिए यूज नहीं करता है वो अपने शौक के लिए यूज ना करें केवल प्रयोग करने के लिए करें और उससे सीखने का प्रयास करें और छोटे बच्चे की बात हम लोग कर रहे हैं पहली से पाँचवीं तक का बच्चा अगर सीख लेता है एनवाइ के प्रति सजग हो जाता है तो वो तो जीवन भर उसका उपयोग करेगा हाँ वो उस, वो संस्कार उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाता है जैसे आपने मान लो बाहर चप्पल निकालना सिखाया रसोई से बाहर तो बच्चा किचन के किचन में जाता ही नहीं बिना उसके क्योंकि वो हमने सिखाया हम भी ऐसा करते हैं तो विद्यार्थी भी ऐसा करता है तो क्योंकि पता है कि बाहर से चल के आया चप्पल में या जूते में कोई बाहर की जो गंदगी है वो साथ आ जाती है तो वहाँ खाने का स्थान है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी अभी सुबह में हो सकती सुबह में प्रोग्राम एक घंटे का हुआ न्यूट्रिशन पे जी तो जो एक्सपर्ट आई थी उनसे सब यही सवाल कर रहे थे कि हमारे बच्चे तो सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं लेते जी तो उन्होंने कहा कि आप लेते हैं पहले बच्चे को आप फोर्सफुली कहते हैं कि तुम ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाओ और आप खुद ब्रेकफास्ट दस बजे कर रहे हैं सो के उठ रहे हैं लेट तो पहले तो अपनी हैबिट बदलिए है। तब बच्चा सीखेगा ना हाँ, बच्चा के सीखे लर्निंग अच्छा है। देने के करके सिखाएं बच्चों को तो ज्यादा और आप जो है चटपटी चीजें खाने के आदि हैं बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें नहीं खाना चाहिए बिल्कुल हाँ तो फिर उसको कहाँ से पढ़ा दे इसीलिए तो बिल्कुल ये, ये टीचर्स को भी इन चीजों को बताना चाहिए वास्तव में छोटे बच्चों को तो निश्चित रूप से क्योंकि संस्कार की वही हाँ, एज है पंद्रह साल बस उसे उस बच्चा सीख जाता है जो उसने सीख लिया वो तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि शायद तीन से लेके छः साल तक का जो हमारा लर्निंग होता है वही जीवन भर चलता है ऐसा कुछ रिसर्च आया है हाँ नहीं पियाजे की जो थ्योरी है वो सारी उस पर बेस्ड है कि आप जैसे उसमें चार जो स्टेज उन्होंने बताए हैं तो मूर्त रूप में तो उसी एज में आता है वो कंक्रीट जो उसका आता है छः या सात आठ साल में वो कुछ जो भी मूर्त रूप में उसके सामने है वही उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा हम भी यदि अपना अवलोकन भी करें स्वयं का तो हमने जो उस एज में सीखा था तो वो आज तक चलता है और वो आपका है भी लर्निंग भी है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन तो बाद की बात है पहले आप उस पे आप उस तक लेकर के तो आए वहीं से यदि नहीं लेकर के आए तो फिर डायरेक्ट अच्छा कोशिश ये भी हुई कि हमारे जो टीचर लोग हैं वो ज्यादा कोशिश करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ाने की जबकि अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा सा बाद में जाएं पहले उसको जो तीन से छः सात साल तक की जो एज है उसमें उसको कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को अडप्ट करे याद करे कुछ करना सीखे उसके व्यवहार में वो बातें यदि आ जाएगी तो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन तो बहुत अच्छा होगा उसका डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन नहीं होता है mm -hmm. साइकोमोटर जो बी एस ब्लूम वाला जो ऑब्जेक्टिव जो बनाने बता, बनाते हैं हम विद्यार्थियों को लेसन प्लान में भी बनाते हैं तो वो जो साइकोमोटर वाला तो उद्देश्य बाद का है पहले कॉग्नेशन पे लेकर के आए उसको ज्ञानात्मक स्तर पे तो यदि वो उसको ज्ञान बोध प्रयोग तक ठीक चलेगा तो फिर वो निश्चित है कि वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा तो मनुष्य ने जितने भी ये संसाधन बनाए हैं वो सारे के सारे विद्यार्थियों को कोशिश करें कि उनको उस माहौल में लेकर के जाएं माहौल में लेकर जाएंगे तो वहाँ ज्यादा सीखेगा वो तो क्लास से बाहर निकाल करके उसको लाएं पेड़ तक लेकर के जाएं माली तक लेकर के जाएं किसान तक लेकर के जाएं जैसे अभी मैडम ये बता रही थी इतना बड़ा दायरा है बताइए इसका क्षेत्र कितना व्यापक है हाँ पूरा सोसाइटी है सामूहिक हाँ। संसाधन जैसे कम्युनिटी की रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम बैंक भी अपने आप में एक संसाधन है तो बैंक कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है तो वो कितना जैसे अभी आप बच्चों को सिकत मेरे को कई बार जिज्ञासा भी होती है जैसे ए में हम लोग जाते हैं वहाँ पर ढेर सारी छोटी छोटी पर्चियाँ जैसे निकाला किसी ने अपना बैलेंस चेक किया या बैलेंस बैंक वालों ने वो पैसे निकालने के बाद आया बैलेंस इंक्वायरी की जो बात है या शॉर्ट वो लेते हैं मिनी वो स्टेटमेंट लेते हैं तो वो सारे कागज उसमें एटीएम में आपको कोई भी एटीएम ऐसा साफ नहीं मिलेगा इसका मतलब ये क्या है इसका मतलब यही है कि हम लोग जो हैं कि वो ध्यान नहीं देते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से भी उससे हम पेड़ बचा सकते हैं तो यदि है हम बच्चे को ये चीज़ें बताएंगे तो वो निश्चित और हम ना करें खुद तो कोशिश करें कि जो उससे स्टेटमेंट लेना है या तो अपने पास रखें तो उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है कि बच्चे के दिमाग में जाता है कि ये तो निरर्थक है हुँ, हुँ. किसी काम के नहीं है तो लो और फेंक दो तो लो और फेंक दो से मतलब ये कि प्रकृति को कितना बड़ा उसका उसके बैकग्राउंड में उसको कितना नुकसान है कि हमने कितने पेड़ काट दिए और हजारों ए आप देखेंगे कि एक शहर में होता है तो आप कोशिश करें तो बच्चों को वो छोटी छोटी बातों से भी सिखाने का हम प्रयास कर सकते हैं जी जी अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या क्या हैं जो भी लोग इन्वॉल्व हैं पर्सनस हु लिव्स इन द नेबरिंग कम्युनिटी आर द कम्युनिटी रिसोर्स स्किल्ड वर्कर्स उसमें आते हैं गार्डनर आयरन स्मिथ मोची माली और कारपेंटर ये सभी लोग जो हमारी कम्युनिटी में हमारी सहायता करते हैं दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर कम्युनिटी रिसोर्सेज सामूहिक संसाधनों में आते हैं फार्मर जैसे कि सर ने एग्जाम्पल लिया एक फ़ार्मर जो है काफ़ी कुछ बच्चों को बता सकता है किस तरह से बीज डाला जाता है किस तरह से प्लांट्स वीड्स हटाए जाते हैं प्लांट्स से तो फार्मर इज़लो अ कम्युनिटी रिसोर्स विच हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स ऑफ ई वी एस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में लोकल पर... एक छोटे से ब्रेक के बाद विस्तार से जाने हम इसके बारे में शिक्षार्थियों ये रोचक चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से अल्प विराम के बाद हम अभी हाजिर होते हैं। स्वयं डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस धय में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वागदा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वागदा चैनल अब डी डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस आरोप टीवी पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वक्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच एनआईओएस वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा काशित करने रहो थियों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ब्रेक के पहले जैसा कि मैंने बताया था कि शिक्षण अधिगम में किस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग किया जाए पर्यावरण अध्ययन में उस पर विस्तार से बातचीत हमने शुरू की है और हमने देखा है कि संसाधन के कितने प्रकार हो सकते हैं उन सभी प्रकारों पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं तो मैं मैडम से कहूँगा कि उसी चर्चा को आगे बढ़ें थैंक यू सर हमने देखा सामूहिक संसाधन कौन कौन से हैं जो भी कम्युनिटी में हमारे आसपास होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं वो सभी सामूहिक संसाधन हैं यानी कि फार्मर कारपेंटर गार्डनर आयरन स्मिथ जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग्स में रिसोर्सेज हैं वो सामूहिक संसाधन कहते हैं अब फार्मर पे अगर हम बात करें तो फार्मर एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें बच्चों को अगर हम ई uh, वी में प्लांट्स uh, कैसे करें ग्रो करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं या वीड्स को हटाना है तो वो फार्मर से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा लोकल पटवारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिशल वो भी एक सामूहिक संसाधन है जो मैप्स के बारे में बताता है और ज्योग्राफी की टीचर जो हैं अब रेवेन्यू ऑफिशियल के पास लेकर बच्चों को इन्फॉर्मेशन गैदर करवा सकती हैं ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं हमारे बच्चों के उनके भी वो भी एक तरह से फोक टेल्स बताते हैं बच्चों को पुरानी कहानियाँ बताते हैं तो वो भी एक हमारे सामूहिक संसाधनों में ही आते हैं रिटायर्ड प्रोफेशनल्स टीचर्स क्लर्क्स पुलिसमैन डिफेंस पर्सनल ये सभी सामूहिक संसाधन हैं अ स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स और टीचर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये भी सामूहिक संसाधनों में आएगा अ चाइल्ड हैज़ अ क्यूरियस नेचर जो बच्चा होता है खुद से ही बहुत कुछ गैदर करता है इन्फॉर्मेशन वो ऑब्ज़र्व करता है और उसके बाद उसका वेल डिफाइंड पर्पस निकालता है ऑब्जर्वेशन का और खुद से ही काफ़ी कुछ जोड़ लेता है जब तक कि वो पाँच साल की उम्र तक आता है तो उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है अ स्टूडेंट वेन ही इज़ अ चाइल्ड और शी इज़ अ चाइल्ड इट गैदर्स लॉड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन तो इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीख जाते हैं बच्चे स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही और पीयर टीचर्स जो हैं वो भी संसाधनों में आती हैं टीचर्स भी आती हैं और पीयर टीचर्स भी आती हैं जो हेल्प करती हैं बच्चों की आगे समझने में तो हम नेक्स्ट शीट पे देखेंगे कि हमने एक फार्मर की रिसोर्स शीट बनाई है नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे फार्मर्स की एक रिसोर्स फैक्ट शीट बनाई है जिसमें हमने ये गैदर करी है इन्फॉर्मेशन कि बच्चों को जब हम फार्म पर लेकर जाएंगे बच्चों को फार्मर से मिलवाएंगे तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर सकता है और क्या क्या उनको सीखने में मदद कर सकता है फार्मर तो नेम ऑफ द फार्मर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फार्मर हाउ मच लैंड ही ओन्स कितनी लैंड है उसके पास कौन कौन से क्रॉप ही कल्टिवेट्स की फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फार्म कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से उसकी फार्म में अच्छी ग्रोथ है हो सकता है वो सीड्स हों वो अच्छे सीड्स यूज़ करता हो या प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ हों तो डज द फार्मर यूज ट्रैक्टर और अदर मशीन्स फॉर फार्मिंग सोर्सेज ऑफ इरीगेशन टाइप्स ऑफ इरीगेशन ही यूज एंड देन सीजनल क्रॉप्स प्रॉफिट एंड लॉस इन फार्मिंग कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान हो रहा है उसको फार्म पर डज ही यूज़ एनिमल्स ऑन फार्म और इफ़ यस विच एनिमल्स एंड हाउ डज ही यूज फर्टिलाइजर इन द फार्म फर्टिलाइजर सो ये दिस इज अस फैक्ट शीट जो हम बच्चों को सिखाने के माध्यम से और लर्निंग आउटकम्स को निकालने के माध्यम से हम बच्चों की मदद कर सकती है एज अ टीचर जो है ये रिसोर्स फैक्ट बना लेगी पहले से ही और फिर बच्चों को देगी ताकि बच्चे जो हैं ये ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फार्मर से निकलवा सकें आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें दो चीज़ जैसे मुझे समझ आ रहा था कैसे से एक आपने रिवेन्यू ऑफिसर का बताया तो रिवेन्यू ऑफिसर हमें पर्यावरण के संदर्भ में ये बता सकता है कि कौन सी लैंड तो कृषि योग्य है कौन सी लैंड कृषि योग्य नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा रिकॉर्ड उसके पास होता है तो वो सारा रिकॉर्ड वो बच्चों को बता सकता है तो बच्चों को ये वहाँ उसके पास जा कर के ही पता चल सकता है कि इस पूरे के पूरे इलाके में कौन से हमारे कौन सा एरिया यूज़ करने योग्य है कौन सा एरिया यूज़ करने योग्य नहीं है और जैसे फॉर्म भरवाने की जैसे बात की थी आपने अभी इसमें किया तो इसमें हमें सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि किन किन संसाधनों से वो करता है खेती करता है जैसे ट्रैक्टर का सा, आपने इसमें एग्जाम्पल लिया और बीज सारे बता सकते हैं कि कौन कौन से बीज अब यूज किए जाते हैं जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे तो सामान्यतः दो या तीन बीज चावल के हम सुनते थे कि एक साठ नाम से साठ दिन में पक जाती है और एक बासमती के नाम से चावल के नाम से पक जाती है तो अब बहुत सारे जैसे बीज आ गए हैं तो वो जैसे आपने बनाया तो इसमें बच्चा चार या पाँच या दस बीज जितने उसके पास आते हैं तो उनको सबको भरवा सकता है तो नई टेक्नोलॉजी से नए बीज जो आए हैं तो उसके टाइप्स वो उसमें कर सकता है और तो कौन सा मेथड यूज करता है पहले हल चलाया जाता था अब ट्रैक्टर से किया जाता है जैसे अब एक जैसे एक, एक जो खेती करने का है कि अब आप देखेंगे कि अब किस पंजाब में और हरियाणा में बहुत चलता है उसमें एक रोटावेटर नाम से पहले हैरो चलता था अब जैसे आप इसमें भरवाएंगे तो बच्चों को ये पता चलेगा कि हैरों की जगह जो जो दूसरा संसाधन यूज करने लगे हैं तो उसके फायदे और नुकसान जैसे वो क्या करता है कि उसमें अब चलता है कि अब उसके आने लगे हैं रिसर्च अब आने लगे हैं बच्चों को कि जैसे वो घूमता है ज़मीन पर तो पहले तो काट के चलता था वो अब घूम के उसको मिट्टी को पतला करने का प्रयास करता है लेकिन जैसे वो घूमता है तो जब घूमने के बाद क्या करता है वो नीचे वाली जो ज़मीन है उसको थोड़ा सा चिकना कर देता है तो चिकना में क्या होता है कि जो पानी सोखती है ज़मीन वो उसकी क्षमता कम हो जाती है तो जैसे बच्चों को पता चलेगा कि हाँ पहले हल चलाते थे अब हैरो चलाते हैं अब रोटावेटा तो उससे उसको उसकी पूरी हिस्ट्री और उसके एनवायरनमेंट में कैसे उसका फ़ायदा और नुकसान हो रहा तो इसका फार्म का बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि मैं चाहूँगा कि मेरे हमारे साथी अध्यापकगण इस फॉर्म को ज़रूर सीरियसली लें और इसको कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किसान से लेने का प्रयास करें हैं कॉल ले लेते हैं तब तक हेलो 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 हाँ सवाल पूछिए हाँ सर अभी जो लाइव प्रसारण आ रहा है उसमें मैं एक प्रश्न रखना चाह रहा हूँ कि आवाज आवाज कम आ रही है तेज बोलिए जी क्रिया आधारित अधिगम के बारे में जरा बताएं तो सर क्रिया आधारित हाँ जी क्रिया आधारित अधिगम क्रिया आधारित अधिगम सीधा सीधा लर्निंग बाई डूंग कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को लर्निंग तो अपने आप होगी यदि हमने क्रिया उससे करा लिया यदि हम उसे लेकर के जाएंगे जो भी सिखाएंगे करके सीखोगे जब करने के लिए जब बच्चे को लेकर के जाएंगे तो जब तभी सीखेगा मान लो साइकिल चलाना सिखाना तो साइकिल चलवाएंगे तभी तो सीखेगा वो ऐसे ही अधिगम की बात है जो भी कुछ उसे अधिगम मान लो आपको किसी बच्चे को जो एग्रीकल्चर की एजुकेशन देनी है तो आप उसे पूछो क्लास में दस बीज बता दिए तो वो नहीं काम आएंगे जैसे ही वो खेती में करना स्टार्ट करेगा और एक खेत में कितना बीज लगता है यदि आप उससे पूछेंगे तो जब वो जब हम जैसे हम भी कभी जैसे हॉस्टल में करते थे तो वहाँ कुछ जमीन थी करते थे उसमें तो ज़्यादा बीज डालते थे तो बहुत सारे पौधे एक साथ उगर उग के आते थे और उस पर जो फल लगता है वो हल्का होता है और जो जितना दूर पौधा होगा थोड़ा सा मतलब तो जगह लेकर के यदि उसमें लगाए चावल का भी जैसे लगाया जाता है ऐसे ही पेड़ों का है बड़े पेड़ के नीचे यदि छोटा पेड़ हमने लगा दिया तो वो पेड़ कभी उभर नहीं पाता है तो यदि हम करके बच्चों को सिखाएं कि आप अपने अपने पेड़ लगाओ और उस मौसम में वो बच्चे लगाएंगे तो उसको अधिगम ये होगा कि छाया में पेड़ नहीं फलता फूलता है अच्छा ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है वो भी तो क्रिया आधारित अधिगम जितने कराते हैं उस पे हम लोग जनरली क्या करता है टीचर उस पर लेक्चर देता है हुँ। प्रोजेक्ट लेक्चर देने का नहीं होता उसमें उसमें कि क्रिया पर आधारित उसे लैब में लेकर के जाए प्रोजेक्ट बनाइए हाँ प्रोजेक्ट बनाइए और प्रोजेक्ट को पूरा करके विद्यार्थी पूरा करे उसे जैसे अब देते भी हैं स्कूल में प्रोजेक्ट बहुत सारे तो क्या करते हैं कि माता पिता बनाने में लगे रहते हैं तो जब माता पिता बनाएंगे तो बच्चा के बच्चे का अधिगम तो निश्चित है कि नहीं होगा तो, तो माता पिता का अधिगम होगा एक और सवाल ले, ले लेते हैं हेलो 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 अभी नहीं कनेक्ट हो रहा है जी Next. हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स में ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं और उसके अलावा हम लोकल रिसोर्स भी देखते हैं जैसे एम हो गई और बी हो गई तो ईच इंस्टीट्यूट हैज़ ओन मैंडेट एंड विजन और वो इवेंचुअली हाँ टीचर को लर्निंग रिसोर्स की तरह किस तरह से यूज़ कर सकती है संसाधनों को अब जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ में आते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स बस स्टेशंस पोस्ट ऑफिसेस हम जब पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड इन्वामेंटल स्टडी कुछ चैप्टर करवा रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस विजिट करवा सकती है टीचर उसमें सभी संसाधन जो हैं पोस्ट ऑफिस में किस तरह की कितने तरह की स्टैम्प्स होती हैं वो सब बच्चे को लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहा ही हो सकता है तो पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशंस विजिट टू पब्लिक लाइब्रेरीज़ बैंक्स जैसे कि सर ने कहा तो ये सभी संस्थाएं जो हैं वो पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं और ये एक तरह का इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्था से रिलेटेड संसाधन है और इसमें हॉस्पिटल्स हो गए ग्राम पंचायत ऑफिसेज हो गए म्यूनसपैलिटी के ऑफिसज हो गए जैसे मैंने पहले बताया था नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो गो फॉर म्यूज़ियम्स हिस्टोरिकल विजिट्स जब हम कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड करा रहे हैं तो तो हमें म्यूज़ियम्स अप्रोप्रिएट म्यूज़ियम्स में लेके जाना चाहिए बच्चों को ताकि हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसी तरह के दें उनको म्यूज़ियम जो है वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ यू नो हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स और इन द फॉर्म ऑफ द्यूजियम्स में क्या कलेक्शन होता है फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से या uh, पुरानी चीज़ों दस्तावेज़ yes. अभिलेख जितने सारे रिलेक्स वगैरह वो उसी में पाए जाते हैं तो म्यूजियम्स में हम विजिट करवा सकते हैं।, बुक्स हैं जितनी सारे अवेलेबल होते हैं जैसे हम ताजमहल लेट के जाएँ बच्चों को पैलेसेस में पार्क्स में लेके जाएं गार्डन्स में लेबोरेटरीज में कोल्ड स्टोरेज में अगर हम कोल्ड स्टोरेज एन्वायरमेंटल स्टडीज में अगर हम कोल्ड स्टोरेज के बारे में बता रहे हैं तो कुछ विजिट्स हम कोल्ड स्टोरेज में भी करा सकते हैं कि उसकी फंक्शनिंग कैसी है इसकी हमारी हमारी रिसोर्स पैक्शीट भी हमने बनाई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम उधर से कलेक्ट करके ला सकते हैं और मैडम ये बहुत सारी चीजें हैं शिक्षक अपना पाठ देखें और पाठ में जो सहायक हों उसमें उसका उपयोग करें है ना साधनों की तो Um, uh, गिनती नहीं? नहीं है कोई गिनती नहीं है कोई सीमा नहीं है लेकिन नहीं। टीचर जो है एक ऐसी रिसोर्स है जो उन संसाधनों को एक इकट्ठा करती है एकत्रित करती है और उसके बाद वो चॉइस करती है यानी कि चुनाव करती है कि कौन सा बेस्ट संसाधन होगा उसको पढ़ाने में जो मदद करेगा और लर्निंग और टीचिंग आउटकम्स को जनरेट करने में मदद करेगा और बच्चों का भी इंटरेस्ट देखना होगा कि अगर वो म्यूज़ियम जाना चाहते हैं तो हम उनका म्यूज़ियम का विजिट रखें केस उस, उससे उससे रिलेटेड अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और हम उनको फोर्ट विज़िट करवा सकते हैं लाइव एक्सपीरियंसेस के लिए तो इस तरह से हम अदर इस्टबलिशमेंट्स की बात करें जिसमें नर्सरीज़ हैं हम नर्सरी में लेके जा सकते हैं प्लांट नर्सरीज़ में अगर हम फार्म पर नहीं लेके जा सकते हैं जो दूर है हम उसको भी ध्यान में रखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कितनी विसिनिटी में हैं हमारा स्कूल यहाँ पर है और फार्म बहुत दूर तो हम इतनी दूर नहीं ले जा सकते तो हम नर्सरीज़ में लेके जा सकते हैं वाइन विंड फार्म्स यूनिवर्सिटीज़ डैम्स में लेके जा सकते हैं जब हम भागड़ा नागर डैम की बात कर रहे हैं तो हम विजिट वहाँ पर भी करवा सकते हैं ज़ू में फायर स्टेशन में तो ये भी कुछ ऐसे संस्था से रिलेटेड जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज़ हैं जिस जहाँ पर हम बच्चों के विज़िट करा के उनको लाइव एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं ईवीएस पढ़ाते समय कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेटअप्स पावर हाउस यूनिट्स फैक्ट्रीज़ हम फैक्ट्रीज़ में लेके जा सकते हैं शॉपिंग मॉल्स लोकल मार्केट्स लोकल मेला यानी कि फेयर जो कि सूरज मेला हमारा कल्चरल मेला है जिसमें सभी प्रांतों से देश भर के सभी राज्यों से आते हैं और वो एक तरह से एक लोकल रिसोर्स है क्योंकि वो मेला यहाँ लगता है फ़रीदाबाद में और सभी पूरे इंडिया को कवर करता है और वहाँ पर सभी स्टेट्स के फूड ड्रेस द टाइप ऑफ़ यू नो पीपल हाउ दे वियर वट टाइप ऑफ क्लोथिंग दे वियर तो सभी चीज़ें एक साथ मिलती है टीचर को बताने के लिए तो अगर हम पंजाब से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो हम पंजाब स्टॉल में जाके बच्चों को बता सकते हैं तो वो सबसे बेहतरीन यू नो रिसोर्स होगा अगर हम लोकल रिसोर्सेज की बात करें हम मेला में विज़िट करवा सकते हैं मार्केट्स में विज़िट करा सकते हैं उनके ड्रेसिंग स्टाइल मोड ऑफ़ लिविंग कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर उन सभी की जानकारी हमारा दिल्ली हाट है दैट इज़ ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिप्लेसमेंट हम अगर मेला ना ऑर्गेनाइज़ नहीं हो रहा है सूरज कुंड मेला फेबररी में लगता है तो हम दिल्ली हाट भी ले जा सकते हैं बच्चों को कल्चरल विजिट पे उस पर्टिकुलर uh, स्टेट के बारे में बताने के लिए आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सर सो so, हमने एक रिसोर्स फैक्टशीट बनाई है इंस्टीट्यूशनल विज़िट पर यानी कि हम कोल्ड स्टोरेज को हमने कवर किया है इसमें कोल्ड स्टोरेज वो एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ पर हम सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स फ्रूट्स सभी चीज़ें हम सेव करके रखते हैं प्रिजर्व करके रखते हैं और नेक्स्ट सीजन तक हम उसको यूज़ करते हैं हलो हलो हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है जी सर हाँ आवाज आ रही है कमाल है थोड़ा तेज बोलिए अगर मुझे ये कहना था कि हेलो इंक्रीज कर ये जो आप ये रिसोर्सेज की बात कही जा रही है ये जो जो भी है आप हेलो नहीं आ रही है आवाज़ हम जारी रखते हैं इसको तो हमने सैम्पल रिकॉर्ड शीट बनाई है जिसमें हम रिसोर्सेज जिस जैसे कि कोल्ड स्टोरेज है हम बच्चों की विज़िट कोल्ड स्टोरेज में करवाते हैं जहाँ पर प्रावधान है कि हम सब्जियों को स्टोर करके रखते हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन और वो ख़राब नहीं होती हैं हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो नेम ऑफ द कोल्ड स्टोरेज जो उसका हेड है कोल्ड स्टोरेज का उसका नाम उसके जो डेजिग्नेशन है उसकी उस इंस्टीट्यूशन में और वो कहाँ सिचुएटेड है कोल्ड स्टोरेज और वट डज़ इट स्टोर क्या क्या चीज़ें स्टोर करता है वो हु हुज इट लोकल कम्युनिटी यूज़ कर रही है होल सेलर रिटेलर जो कि प्रोडक्ट्स uh, को यानी कि सब्जियों को बाहर सेल करते हैं तो कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं उसको वट ऑफ क्रॉप्स कैन बी स्टोर इन द कोल्ड स्टोरेज कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं हाउ मेनी वर्कर्स वर्क इन द कोल्ड स्टोरेज कितने लोग उधर काम करते हैं हाउ डज़ दिस फैसिलिटी हेल्प इन आवर डेली लाइफ तो ये इस तरह से हमने फैक्ट चीट बनाई है कोल्ड स्टोरेज के ऊपर जो हम विज़िट करवाएंगे बच्चों को और हमारी दिल्ली में कोल्ड स्टोरेज है तो उसके बारे में आप बताएं नहीं कोल्ड स्टोरेज तो सब जगह हु. है कोल्ड स्टोरेज में ये है कि जैसे सब्जियां और फल हैं जो बेच में उसमें कई बार फल मिल अभी भी जैसे मार्केट में आपको आम दिखाई देगा तो वो ज़्यादातर ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज का है सामान तो वो उसमें रखते हैं तो वो बहुत दिन तक उसको उसका पर्टिकुलर जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उस टेम्परेचर में वो रखा जाता है तो उसको रखें यदि बच्चों को हम वो विजिट कराएंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ फसल को कैसे प्रिजर्व किया जाता है कैसे किसी भी सामान को कैसे ख़राब होने से कैसे बचाया कॉल तो ले लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी हाँ सर जरा प्रेक्षण अनुसूची के बारे में बताइए ना उसका डिस्कस जरा फिर फिर से पूछिएगा प्रेक्षण अनुसूची इच्छा हाँ हाँ प्रेक्षण अनुसूची के बारे में बताइए सर ये किस तरह से प्रेक्षानुभूति प्रेक्षण अनुसूची के बारे में बताइए सर प्रेम शब्द सही है उसको एक्सप्लेन करो शब्द को से मतलब, क्लियर नहीं हो रहा है आपका वर्ड प्रेक्षण अनुसूची के बारे में सर प्रेक्षण अनुसूची क्या चीज है शिक्षण अनुसूची प्रेक्षण अनुसूची ठीक है तो प्रेक्षण का मतलब है ऑब्जर्वेशन उसमें हमें यदि किसी के लिए बनानी है किसी को अनुसूची यदि हम बनाएं तो जैसे वो टॉपिक के हिसाब से अलग होगा ऑब्जर्वेशन कैसे करना है हमने मान लो हमें क्लास में टीचिंग का ऑब्जर्वेशन है हमारा तो उसका ऑब्जर्वेशन अलग होगा बच्चे का व्यवहार जैसे सी सी ई बनाते हैं वो एक उस एक टाइप से उसको प्रेक्षण अनुसूची हम कह सकते हैं कि बच्चा कैसे बोलता है कैसे बात करता है कैसे दूसरों के साथ है, टीम में कैसे काम करता है खाना कैसे खाता है उसके फर्स्ट टर्म में कैसे उसके नंबर आए तो मैथ में उसकी क्या है हिंदी में उसका कितने किस लेवल पर चल रहा है तो वो पूरी अनुसूची बनाई जाती है तो व्यवहार से साम्में, साम्में देख कर जो तैयार किया जाता है वो बच्चे के व्यवहार को देखकर जो तैयार किया जाता है हाँ किसी के भी किसी को भी ऑब्जर्व यदि हमने करना है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो लिस्ट हम बनाते हैं उसको हम अनुसूची बोल सकते हैं बोलते हैं किसी से बच्चे का ही पूरा रिपोर्ट कार्ड है तो वो उसका अपना एक अनुसूची है हमें टीचिंग यदि चेक करनी है तो उसमें क्या करेंगे कि लेसन प्लान किस टाइप का बनाया है ब्लैक बोर्ड पे किस टाइप से लिखता है बच्चों से क्वेश्चन किस टाइप से अध्यापक करता है आंसर लेता है तो किस टाइप से लेता है एग्जाम्पल देता है तो किस स्तर के देता देता है तो उन सब को टोटल मिलाकर के जो व्यवहार किसी भी पर्टिकुलर क्रिया का जो हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल होनी चाहिए उनकी लिस्ट बनाना हम अपने आप में एक अनुसूची उसको बोल सकते हैं बोलते हैं इस टॉपिक के संदर्भ में मैं बताती हूँ जिस जिस तरह से उन्होंने पूछा प्रेक्षण अनुसूची मतलब ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जैसे कि हमने ये रिकॉर्ड फैक्ट शीट बनाई है सैम्पल रिकॉर्ड शीट जिसमें हम क्वेश्चनियर के माध्यम से रिसर्च कर रहा है स्टूडेंट और टीचर मिलकर और क्वेश्चनर के माध्यम से उसी तरह से ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या होता है कि वो बच्चा क्या ऑब्जर्व करके आया उस विजिट से तो वो खुद से कुछ पॉइंट्स नोट करेगा टीचर की हेल्प से कि उसने क्या खुद देखा बैंक में कौन कौन लोग काम करते हैं और किस तरह से काम होता है फिक्स डिपॉजिट काउंटर पर गया तो वहाँ किस तरह से काम हो रहा है और कैश काउंटर पर गया तो किस तरह से काम हो रहा है तो उसको अब उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जिसका हिंदी में मतलब है प्रेक्षण अनुसूची और इसके संदर्भ में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के संदर्भ में इसका ये रेलिवेंस है कि कुछ तो क्वेश्चनअर के माध्यम से टीचर और स्टूडेंट मिलकर रिसर्च करता है और कुछ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ऑब्जर्वेशन में उनका वो क्वेश्चनेर के फॉर्म में भी ऑब्जर्वेशन बन सकता है कि उसने क्या पहले ऑब्जर्व किया फिर दूसरा क्या ऑब्जर्व किया तो इस तरह से उस सूची को जब वो रिसर्च में इनकेपचुलेट करेगा यानी कि जोड़ेगा जब वो वापस आके उस विजिट पर जैसे हम बच्चों को बताते हैं विज़िट टू तो उसके बाद आके हम उनसे ऐसे लिखवाते हैं कि आपने उधर क्या क्या देखा तो वो प्रेक्षण अनुसूची अनुसूची कहलाएगी ये अपने आप में है 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 जैसे क्रॉप फसल कौन कौन सी है? और कितना रखा जाता है उसको संभालने के लिए जी और बेस्ट टाइम ड्यूरेशन टू स्टोर कि किस टाइम पे स्टोर हमें करना चाहिए ये उसी की क्वानिटी अनुसूची आप बना सकते हैं कौन सी फसल है फसल का नाम क्या है कौन से मौसम की फ़सल है कितना स्टोरेज कितना किया और उसका टेम्परेचर कितना रखा गया किस महीने से किस महीने तक रखा जाता है और कितना टोटल समय उसका निकाल सकते तो ब, आप नंबर से इसको बना सकते हैं जैसे आलू रखा जाता है नंबर एक आलू नंबर दो मान लो कोई फल है केला है सेब है या कोई और फसल है तो उसमें स्टोरेज जैसे करते हैं तो उनको लाइन से हम लिखेंगे तो हमें टेम्परेचर का और उसके टाइमिंग का तो हमें ये भी बच्चों को ये भी पता चलेगा इन्वायरमेंट के संदर्भ में देखें कि इस समय पर आलू होता है इस टाइम पर स्टोर किया जाता है पूरा साल भर तब तक चलता है उसके बाद नई फसल आती है तो उसको रबी और खरीफ की जो फसल है उसका जो विवरण जो आता है हमारे उसमें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम तो वो सारे की सारी जानकारी उसको आराम से देख करके ही हो सकती है एक लिस्ट बनाने के बाद अपने आप ही उसको जानकारी हो जाएगी तो टेम्परेचर की भी उसको जानकारी उसे ये भी पता चल जाएगा कि ये जो स्टोरेज किया गया है ये टेम्परेचर पर आधारित है मौसम पर आधारित है जितना मौसम इसको चाहिए उतना नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा ये इसको अनुसूची आप इसको देख सकते हैं जी आगे चलते जी, हैं नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे मीडिया रिसोर्सिस यानी कि लोकल नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ये सभी मीडिया रिसोर्स का पार्ट है मैगजीन्स स्पेशली फॉर ईवीएस वी जिसका नाम है सफारी नेशनल जोग्राफिक चैनल डाउन टू अर्थ विज्ञान दर्शन तो ये सभी चीज़ें मीडिया रिसोर्स में आती हैं जो कि टी के माध्यम से हमें उपलब्ध हैं टेलीविजन चैनल्स लाइक डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल प्लानट अर्थ ट्रैवल एंड लिविंग दीज आर द सम ऑफ द चैनल्स विच आर अवेलेबल ऑन द टेलीविज़न रेडियो प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ई ऑन लाइक ज्ञान भारती विविध भारती ये सभी चैनल्स जो हैं रेडियो पे जो उपलब्ध हैं वो भी मीडिया रिसोर्स में आते हैं

बाय द मीडिया उसको भी हम इसी मीडिया रिसोर्सेज में रखते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं शिक्षार्थियों इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं स्वयं प्रभा डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस धय में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता टी टी एच स्वयं प्रभा वागदा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वागदा चैनल आप डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस आरोप टीवी पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाक्ता चैनल भारत वर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। पहुँच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा कौशल भारत कुशल भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस उद्घोष को चरित्रार्थ करने की दिशा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एन सार्थक सहयोग कर रहा है युवा हुनरमंदों के उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन एन कर रहा है व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं को सही दिशा और रोजगार पाने में सहायता मिल रही है और प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा खुद को एक उद्यमी के रूप में स्थापित कर पा रहे हैं। देश भर के युवा व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़कर खुद के और देश के उज्जवल भविष्य की नींव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। हर कहानी में एक संदेश है क्या होता है प्रशिक्षण और समर्पण यही व्यवसायिक शिक्षा में समावेश है वैसे तो बहुत सारे सफल किस्से और कहानियां हैं पर हर एक को देखते गए तो वक्त गुजर जाएगा कहते हैं यदि आप में लगन है और जुनून है तो कुछ भी पाया जा सकता है के सेंटर में गया। मुझे उसका मेन बेनिफिट ये मिला कि एक दो घंटे की क्लासेस थी उस क्लासेस के बाद मैंने जो वहाँ पे लैब थी उस लैब में जो भी सामान रखा हुआ था वो उसने मेरी बहुत हेल्प करी और वहाँ का जो भी स्टाफ था उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी जो कि शायद और जगह नहीं हो पाती एन ने युवाओं महिलाओं सैनिकों और दिव्यांगों हर किसी के शिक्षण एवं आर्थिक स्तर को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण किया है मैंने एन से ब्यूटी कल्चर का वोकेशनल कोर्स किया था मैंने अपना एक खुद का पार्लर चलाया है और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं मैं अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं उनके लिए भी कुछ कर सकती हूँ उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकती हूँ कृषि हो या पशुपालन सौंदर्य हो या तकनीक या फिर कंप्यूटर आईसीटी योग गृह विज्ञान शिक्षक शिक्षा और बुनकरी वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के साथ एन के व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने में ऐसी कई विविधताएं समेटे हुए हैं ये व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आप खुद को रोजगार के नए अवसर प्रदान करते हैं मैंने एनआईएस से ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स किया है जो मई 2018 में कंप्लीट हुआ है इस कोर्स को करते बहुत बेनिफिट मिला है मेरी प्लेसमेंट भी हुई है हर वर्ष एन में हजारों अप्रशिक्षित शिक्षार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रवेश लेते हैं कम फीस वाले ये कोर्सेस कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्नत प्रयोगशालाओं में संचालित किए जाते हैं प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद को सरकारी या फिर निजी संस्थाओं में स्थापित करके एन के ये सफल शिक्षार्थी अपने परिवार का पालन सुचारू रूप ऐसी कर रहे हैं एन आई ओ एस से वोकेशनल कोर्स करने के बाद मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया बहुत ग्रूमिंग हुई मेरी मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट कर पाई फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाई आई एमेंडेंट आई एम एट गर्ल अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें डब्लू डब्लू डब्ल्यू डॉट एन आई ओ एस डॉट ए सी डॉट इन टोल फ्री नंबर जीरो नाइन थ्री नाइन थ्री आपको जानकर खुशी होगी की अब हम आर्ट साइंस कॉमर्स जिन क्षेत्रों में बारहवीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है अब हम हुनर के क्षेत्र में वोकेशनल एरिया में भी दसवीं और बारहवीं का सर्टिफिकेशन करेंगे तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे सीखेंगे हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं खेतियर हैं तो आज तक जो हमारे देश में यह सोच रही है कि आप बारहवीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल अर्थशास्त्र भौतिकी ये पढ़ेंगे अब ये समय बदल गया है शिक्षार्थियों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ब्रेक के पहले हमने चर्चा की थी कि किस तरह से पर्यावरण अध्ययन में संसाधनों का प्रयोग किया जाए और पवन जी और उपासना जी हमारे साथ हैं दोनों लोग विस्तार से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं और उन संसाधनों का उपयोग शिक्षक किस प्रकार से करें तो मैं चाहूँगा कि उपासना जी उसी चर्चा को आगे बढ़ाएं न्यूज़पेपर यानी कि मीडिया रिसोर्सेज का हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और न्यूज़पेपर में आई हुई इन्फॉर्मेशन हम कटिंग द्वारा भी बच्चों को बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर आइए रिलेटेड टू स्पेसिफिक चैप्टर जब किसी बच्चे को हम इन्वॉल्व करते हैं किसी प्रोजेक्ट में यानी कि अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं किसी स्टेट के ऊपर तो हम न्यूज़पेपर कटिंग्स के द्वारा भी उन उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं फैक्ट्स एंड ओपिनियंस विद रिगार्ड टू रिलेट रिलेवेंट इन्वायरमेंटल थीम्स कैन बी डिस्किंग यूजिंग वेरियस इन्वायरमेंटल रिलेटेड चैनल्स जैसे कृषि दर्शन आता है दूरदर्शन पर उसमें हम फैक्ट्स एंड ओपिनियंस उसमें से भी गैदर कर सकते हैं बच्चों को बोल सकते हैं कि वो उन चैनल्स को हम उन चैनल को उन चैनल्स पर बच्चों को भेज सकते हैं कैसे बाय उनको टेलिंग दैम कि उनको वो रेगुलरली वो चैनल्स विजिट करने यू कैन मेक द चिल्ड्रन रीड साइंटिफिक और इन्वायरमेंटल रिलेटेड स्टोरीज फ्राम मैगजीन्स मैगजींस और न्यूज़ में भी हम उनको स्विच कर सकते हैं तो मीडिया पर मीडिया चैनल्स पर हमें बच्चों को ले कर जाना है कोई बच्चा अपने आप नहीं जाएगा हमें एज अ टीचर उनको मोल्ड करना है और उनको बोलना है कि वो न्यूज़पेपर रोज पढ़ें और साथ में आदत बनाएं मैगज़ीन्स न्यूज़पेपर्स पढ़ने की और इन चैनल्स को रेगुलरली विज़िट करें चिल्ड्रन कैन बी एनक्रेज टू वॉच प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविज़न टेलीकास्टेड बाई टेलीकास्टेड बाई यू जी सी दे कैन बी इंफॉर्म्ड इन एडवांस कि कब कब कौन कौन से सेशन्स आते हैं यू जी सी से लाइव टेलीकास्ट होता है एंड दिस कुड भी ऑल्सो प्रोसीडेड और फॉलोड बाई रिलिवेंट क्लास रूम सेशन फिर हम उसके उससे रिलेटेड क्लास रूम सेशन भी करवा सकते हैं बच्चों के विद द यूज़ ऑफ़ पोस्टर्स एंड पेंटिंग्स यू कैन हेल्प द चाइल्ड टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड व्यूज़ रिलेटेड टू एन्वायरमेंटल कंसर्नस न्यूज़ पेपर में काफ़ी कटिंग्स आती हैं जैसे कि जैसे कार्टून द्वारा हम एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू प्रदर्शित करते हैं न्यूज़पेपर में मीडिया में तो हम बच्चों को इनक्रेज कर सकते हैं कि वो खुद की अपनी पेंटिंग्स बनाएं किसी भी सोशल इशू पर और फिर हम न्यूज़पेपर में हम उसको पब्लिश करवा सकते हैं तो मीडिया जो है वो एक कॉमन रिसोर्स है जो कि बाकी बच्चों के लिए भी लाभदायक है और जब सभी यू नो जनरल पब्लिक एक्सेस द न्यूज़पेपर्स जब सभी यूज़ करेंगे तो बाकी बच्चों के लिए भी वो एक यूज़फुल रिसोर्स हो जाएगा पेंटिंग्स पोस्टर्स भी तो इसमें आप कुछ इसमें रेडियो का भी आप जैसे प्रोग्राम आते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड और रेडियो वाले भी प्रोग्राम बच्चों को सुना सकते हैं दर्शन है। आता है हाँ जैसे आता है तो बहुत ही उपयोगी है हाँ टी वी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं रिलेटेड उससे एजुकेशन से एनवायरमेंट से रिलेटेड वो भी हम उनको सुना सकते हैं तो मीडिया के तो बहुत सारे संसाधन हैं जैसे न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं मैगजीन जो है ज़्यादातर लाइब्रेरीज में आती हैं घर नहीं मंगाते उनको तो बल्कि घर, टीचर्स को मुझे भी भी मुझे अभी ये लग रहा है कि टीचर्स क्यों नहीं उससे उसमें जो इन्वायमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसको कटिंग करके और क्लास में भी उस तरह का अगर अच्छे से बनाएं एक पोस्टर लगवाएं हाँ, उसको हाँ। उस लगवाए नोटिस बोर्ड पे भी लगा सकते हाँ। हाँ। हैं और बच्चों से भी साथ साथ लगवा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इस समय तो जैसे प्लास्टिक को लेकर कितने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ रहे थे बिल्कुल तो उसकी जानकारी हो बच्चों को हाँ वो करने लगते हैं तो फिर बच्चों को अपने आप ही धीरे धीरे हाँ। वो वो भी आइडियाज देते हैं बहुत सारे बच्चों को जैसे बोर्ड सजाने के लिए हम बोलते हैं तो बड़े बच्चों को बोलते हैं तो छोटे बच्चों को भी छोटे बोर्ड या कुछ बना करके जैसे बहुत सारे स्कूल में हमने देखा तितली बन के और वो बन के बच्चों को बुलाते हैं कि आप ऐसी ड्रेस पहन करके आए ताकि उसको ई से वो रिलेट कर सके खुद को कि अपने आप को कि हाँ मैं भी एक इसी का पर्यावरण का हिस्सा हूँ तो उसका उसको जैसे भी हमें करके बचाना है तो उसको सीखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फिर लर्निंग तो ज़्यादा अच्छी होती है बहुत सारे स्कूलों में मीडिया सॉरी बहुत, बहुत, बहुत सारे स्कूलों में मीडिया रूम्स हैं जहाँ पर दूरदर्शन से आए हुए या रेडियो द्वारा प्रदर्शित किए हुए बहुत सारे चैनल्स दिखाए जाते हैं बच्चों को तो उनका जो है रेगुलर जो सेशंस हैं वो अगर स्कूल में भी इंकरेज किया जाए क्योंकि स्कूल में अगर दिखाएंगे फर्स्ट टाइम तभी वो बच्चे उनको घर पे भी यूज़ कर पाएंगे नहीं, नहीं। तो केबल टीवी पे ज़्यादा जोर होता है बच्चे एज uh, सच uh, जो यूज़ करते हैं मीडिया को प्रोडक्टिवली इन यूज़ नहीं करते हैं जब तक हम उनको स्कूल में बताएंगे नहीं कि ये ये चैनल्स हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं रिलेटेड टू आवर यू नो सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट तब तक वो उस पर जाएंगे नहीं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको स्कूल में ही इनक्रेज करें मीडिया रूम में उनको लेके जाकर सभी चैनल्स का एक्सेस का कैसे वो एक्सेस कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट यू आर एल्स हैं वो उनको बताएं कैसे वो उस पर एक्सेस कर सकते हैं तो ये सभी जो है वो टीचर का ही सबसे बड़ा योगदान है इसमें कि वो एक सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो बच्चों को बच्चा भी एक रिसोर्स है जो कि बच्चों को भी मीडिया यूज़ करने में प्रोत्साहित कर सकती है अब हम टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज यानी कि प्रौद्योगिकी संसाधनों पर चलते हैं इसमें इसका यूज़ तो बच्चे अपने आप ही कर रहे हैं हमें उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो मोबाइल और लैपटॉप्स वो यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्टिवली यूज़ करें गेम्स खेलने के लिए नहीं रादर पढ़ने के लिए इन्वामेंटल स्टडीज़ पढ़ने के लिए साइंस में पढ़ने के लिए अगर वो गूगल का भी इस्तेमाल करते हैं नेट का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज में आता है टुडे नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ आर अवेलेबल टू सपोर्ट द टीचर इन लर्निंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी uh, में क्या क्या आता है साइंटिफिक नॉलेज यूज इन प्रैक्टिकल वेज इन इंडस्ट्री तो यंगर जनरेशन इज़ ऑन इट्स ओन हमारे बच्चे अपने आप ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट गैजेट्स यूज करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ करते हैं बट द ओनली थिंग इज कि हम उनको प्रोडक्टिवली नहीं बताते हैं तो हमें प्रोडक्टिवली बताना है कि उन चैनल्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ताकि वो सीख पाए तो इसी, इसी पे कल डिस्कशन एक हो रहा था कि uh, मोबाइल हमारे हाथ में तो आ गया ने. लेकिन उस मोबाइल का वो पावर है हाथ में पावर आ गई हमारे ने. उसका सदुपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में है तो अगर किसी ने सदुपयोग किया तो उसके कितने लाभ उठा सकते हैं काउंटलेस है वो ने. वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है तो उसकी ज़रूरत है जैसे टीचिंग हम कर रहे हैं तो टीचिंग में हमें बताना पड़ेगा कि मोबाइल में जैसे इन्होंने कहा कि ये यू आर एल ये, ये आपको यूज़ करना चाहिए यहाँ पे रिसर्च पेपर हैं यहाँ पे आर्टिकल्स हैं यहाँ कार्टून मिलेंगे आपको यहाँ यूट्यूब पे इतने, इतने इतने अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको इस विषय से संबंधित तो एक पूरा पर्सपेक्टिव बच्चे के दिमाग में आ जाता है और पूरी दुनिया है पूरी दुनिया है वो सारा आपके देखो उसमें बैटरी कम आपका घड़ी सब कुछ आपको उसमें आ गया तो यूज करना और ज, जो बच्चे हैं आजकल के वो हमसे ज्यादा फेमिलियर हैं उनके टेक्नोलॉजी के साथ वो ज्यादा सीखते हैं जल्दी जानकारी भी उनके पास बहुत सारी हमसे ज्यादा होती है लेकिन हमें एज ए टीचर संसाधन हमें उसको ज्यादा यूज करना होगा और उसको पॉजिटिवली उसको सिखाना होगा कि उसका ज्यादा फायदा कैसे लेना है नए नए आ रहे हैं नए नए हैं अगर उसके बारे में पता हो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज एप्स आ गए हैं तो काफी ज्ञान ले सकते हैं और अब... नोट्स भी आप उसमें रख सकते हो हाँ। तो वो बहुत हाँ। सारा काम मोबाइल करता है हाँ। तो आपको कहीं जाने की किसी भी लैब में जाने की ले जाने की जरूरत नहीं है तो बच्चे को चाहे तो हम टेक्नोलॉजी को यदि हम अच्छे से यूज कर ले तो मैं समझता हूँ कि वो टीचिंग का इतना ज्यादा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इतना ज्यादा हेल्प होगी हमारी कि जो लेक्चर वाली और क्लासरूम रूम वाली जितनी भी टीचिंग है वो एक मोबाइल पे कंट्रोल कर सकते हैं हम लर्निंग बाय डूइंग वाली तो एक अलग है लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी हम आप उसको ले करके चलें तो उसको नॉलेज साइंटिफिकली वो उसको ले करके वो जब चलेगा तो उस ज़्यादा जानकारी उसके पास इंफॉर्मेशन वाली जो होती है तो कि बच्चे को केवल इन्फॉर्मेशन देना तो इन्फॉर्मेशन आपको केवल उसे एक डब्बे में मिल जाएगी सारी की सारी जैसे आईआईटी हैं जितने आई के लेक्चर्स हैं वो सारा स्वयं प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है बिल्कुल कितनी बड़ी बात है पहले बच्चे कहाँ कहाँ भागते थे किताबों के लिए बिल्कुल

बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं मल्टी फैसिलिटी जो कि वीडियो प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं बच्चे इन्वायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स पर तो हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चों को कि मल्टीमीडिया का यूज़ करते हुए मल्टीमीडिया कुछ और अलग से नहीं है रॉकेट साइंस नहीं है सभी मीडिया को हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको मल्टीमीडिया कहते हैं यानी कि ऑडियो विजुअल ग्राफिकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कहा जाता है तो जब हम सभी तरह के रिसोर्सेज़ को एक साथ जोड़ देते हैं कंप्यूटर द्वारा तो हम उसके ऊपर बेस्ड वीडियो प्रजेंटेशंस बना सकते हैं और इन्वायरमेंटल रिलेटेड सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस कर सकते हैं हम इसको इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम बच्चों को एक प्रोजेक्ट दें कि ये जो चैप्टर है इस पर आप मल्टीमीडिया लाइब्रेरी क्रिएट करिए तो वो सभी resource, वो सभी पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसके ऊपर वीडियो प्रेजेंटेशंस बनाएंगे ऑडियो विजुअल होगा कनेक्टेड होगा एंड देन वो इस तरह से सीखेंगे कि कभी सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है तो इंटरनेट फैसिलिटी जो कि उसकी मदद करेगी इंटरनेट फैसिलिटी के द्वारा ही हम मल्टी मीडिया फैसिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं इंटरनेट होना ज़रूरी है क्योंकि इंफॉर्मेशन सोर्स है वो हमारा इजी इट इज़ इजीली एक्सेसिबल रिसोर्स फॉर इन्फॉर्मेशन जनरेशन रिसर्च एज वेल एज एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन विद अदर स्कूल्स कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स तो इंटरनेट द्वारा हम मल्टी मीडिया रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन कैन हेल्प चिल्ड्रन कंप्यूटर वाले पॉइंट में ही देख रहे हैं एनिमल एनिमेशन कैन हेल्प चिल्ड्रन ये लास्ट स्लाइड में है एनिमेशंस कैन हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट इन्वायरमेंटल फिनिना लाइक इन साइड अवर अर्थ मूवमेंट्स एंड प्रोसेस इन साइड प्लांट बॉडी लाइफ अंडर सी सो एनिमेशंस के द्वारा यानी कि एनिमेशंस क्या होता है जिस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा बच्चे कार्टून द्वारा सीखते हैं कि मूवमेंट्स कैसे जिन होंगी जिसमें हम मूवमेंट्स एंड प्रोसेस इनसाइड बॉडी भी डिस्कस कर सकते हैं थ्रू एनिमेशन पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स का यू इस्तेमाल करके और हमारी अर्थ के अंदर क्या है तो हम सभी लेयर्स ऑफ द अर्थ यानी कि क्रसमेंटल एंड कॉर इन्हीं सभी लेयर्स ऑफ अर्थ को हम एनिमेशंस के द्वारा यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए हम सिखा सकते हैं बच्चों को उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं उनसे जिससे उनको पता लगेगा कि वट गोज़ इनसाइड अवर अर्थ वट ऑल लेयर्स आर देयर इन द अर्थ एंड देन लाइफ अंडर सी हम सी से रिलेटेड जब हम सी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जब हम सी लाइफ बताते हैं कि समुद्री लाइफ क्या है जीवन समुद्री लाइफ अंडर सी यानी कि समुद्र में जो लाइफ है एग्जिस्ट कर रही है वो किस प्रकार की है तो उसमें सभी प्रकार के जानवर आते हैं जो सी एनिमल्स कहते हैं जिनको तो उनके ऊपर भी हम एक कवरेज बनवा सकते हैं एनिमेशन के द्वारा तो कंप्यूटर किस तरह से मदद करेगा एनिमेशन कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी पड़ेगी बच्चों के साथ मिलकर हमें कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बच्च टीचर जो है प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं प्रोग्राम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैन ऑल्सो भी यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डेटा अब इन सभी डेटा को हमने इंफॉर्मेशन को हमने गैदर कर लिया लेकिन अब रिकॉर्ड और सेव कहाँ करेंगे हम उसको उसको भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है एम एस वर्ड वो सेव करेगा इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन को और हम एक्सेल में भी मेंटेन करेंगे कि हम किस विजिट पर गए थे उस उधर से हमने क्या क्या रिसोर्सेज गैदर किए और उनके ऊपर हम ग्राफ्स बना सकते हैं तो एक तरह से एक रिसर्च बन कर सकते हैं हम कंप्यूटर के माध्यम से छोटे बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं अगर हम पाँचवीं तक का देखें उनके लिए एनिमेशन सबसे बेस्ट होगा यानी कि वो कार्टून द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं अगर हम जैसे उनको दो दो तीन तीन घंटे अगर हम उनको कार्टून ने चैनल्स दिखाएं तो वो देख सकते हैं पर कार्टून एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है जो फर्स्ट टू फिफ्थ ग्रेड के बच्चों को अगर हम उस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा उसको स्क्रिप्ट कहते हैं स्क्राइब कहते हैं जिसके माध्यम से वो एनिमेशन खुद डेवलप कर लेते हैं तो उसमें इन्वामेंटल स्टडीज़ और एनिमेशन को हम कनेक्ट कर सकते हैं साइंस को भी कनेक्ट कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट तो उसमें वी हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन और दो तीन जो है हमारे मेन एनिमेटेड कार्टून्स होंगे जो कि आपस में कॉन्वर्स करेंगे जैसे एक फार्मर बना दिया एक कारपेंटर बना दिया तो जब वो आपस में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे कि मैं ये करता हूँ एज अ फार्मर मैं एक कारपेंटर हूँ और मैं ये करता हूँ तो बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं mm -hmm. और उसको क्लब करना कंप्यूटर द्वारा दैट विल बी ओनली पॉसिबल थ्रू एनिमेशन टेक्नोलॉजी एंड मल्टी मीडिया फैसिलिटी सो टीचर जो है फर्स्ट टू फिफ्थ बच्चों को ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकती है राइम्स के द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकती है और उसको कंप्यूटर से लिंक करके एक अलग से प्रोजेक्ट बना सकती है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर हाउ डज हाउ डज शी यूज़ द रिसोर्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स आजकल तो एप्पल uh, जब हम बच्चे को बताते हैं ए फॉर एप्पल एप्पल को सभी इमेजेस के द्वारा दिखाया जाता है तो बच्चा जो किंडर का बच्चा है वो एप्पल कटे हुए को भी बोलेगा इट इज़ एप्पल लेकिन जब हम पहले जब हम पढ़े थे तो एप्पल हमें सिर्फ यही समझ में आता था जब हम छोटे थे कि एप्पल इज फुल एप्पल सो नाउ द टेक्नोलॉजी इज सो वास्ट दैट इवन यू नो क्लास अभी क्लास में गया नहीं बच्चा दो साल का बच्चा भी ये बता देता है कि आइडेंटिफाई करके कि दिस बिकॉज ऑफ़ यू नो टेक्नोलॉजी कि ये एप्पल है वेदर इट इज़ कट और हाफ कट और इट इज़ फुल सो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्योंकि आजकल इतना कुछ अवेलेबल है और टीचर और पेरेंट मिलकर काफ़ी कुछ रिसोर्सेज ग्रैदर कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन इट इज़ जैसे हम कह रहे हैं पूरा संसार हमारे हाथ में है तो मोबाइल फ़ोन तो आजकल पेरेंट्स भी बहुत यूज़ करते हैं टीचर्स तो यूज़ करते ही हैं और बच्चे तो उनसे भी ज़्यादा hmm. यूज़ करते हैं सो वी कैन यूज़ दिस हाउ कैन वी यूज फॉर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर इसी में ही है कि हम बच्चों के एनिमल्स uh, और बर्ड्स के साउंडस को हम रिकॉर्ड कर, mm. so, like कर सकते हैं उनको सुना सकते हैं सो इट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड नेचुरल साउंड्स लाइक ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स कॉल्स स्टॉप वॉच फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में कैन बी यूज़ फॉर कैप्चरिंग टाइम बाउंड नेचुरल एक्टिविटीज जैसे सनराइज़ और सनसेट के टाइमिंग्स को हम स्टॉप वॉच फैसिलिटी के साथ के माध्यम से बता सकते हैं जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मोबाइल द्वारा हम मैप मेकिंग और मैप रीडिंग स्किल्स भी सिखा सकते हैं बच्चों को जब हम बच्चों को जोग्राफी क्लास में मैप सिखाते हैं तो दे फाइंड इट समाइम बोरिंग mm -hmm. बट अगर हम मोबाइल द्वारा जी के द्वारा उनको उस तरह से क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ करते हैं mm -hmm. टेक्नोलॉजी को mm -hmm. हमसे ज़्यादा Mm -hmm. तो उनको तो जी ऑपरेट हमसे ज़्यादा अच्छे से ऑप्शन क्रिएट करना आता है द पॉइंट इज कि हम मैप मेपिंग मैप मेपिंग मैप मेकिंग एंड मैप रीडिंग स्किल्स जो हैं जो बच्चों को जब हम जोग्राफी एज ए जोग्राफी टीचर जब हम सिखा रहे होते हैं तो हम उनको जी के द्वारा सिखाएँ mm -hmm. दिल्ली का मैप देन ब्रॉडनिंग द नॉर्थ नॉर्दर्न मैप ऑफ इंडिया देन ब्रॉडनिंग द हराइजन टू इंडिया फुल मैप फिजिकल एंड पॉलिटिकल तो दिस इज ऑल अवेलेबल इन द जी पी एस सिस्टम और खुद बना सकते हैं बिल्कुल वी कैन क्रिएट द मैप्स थ्रू जी पी एस एंड वी कैन शेयर द लोकेशन एज वी आर शेयरिंग इन इन आर डेली लाइफ और उस तरह से हम बच्चों को ये भी दिखा सकते हैं कि इस समय हम कहाँ बैठे हुए हैं और हम नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं वी आर कवर्ड अंडर नॉर्दर्न इंडिया एंड वेयर यू नो वेयर ऑन द पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आर वी सिचुएटेड सो उसके माध्यम से जब लाइव एक्सपीरियंसिस ऐड हो जाते हैं तो बच्चों को सीखने में आसानी होती है और वो इंटरेस्टिंग हो जाता है उनके लिए वही सेम चीज़ देन mm. कैमरा के माध्यम से हम बच्चों की बच्चों को जब हम रिकॉर्ड करके चीज़ों को जब हम दिखाते हैं क्लास में जब हमने वीडियोग्राफी कर ली फील्ड पर हम लेकर गए बर्ड्स इंसेक्ट्स एनिमल्स की जू में हमने पिक्चर कलेक्ट करी वीडियो बनाई और उसको कैमरा में कैप्चर करके ये भी एक तरह का रिसोर्स बन जाएगा इट्स अ लॉन्ग टाइम रिसोर्स जो स्कूल के पास हमेशा रहता है सो कैमराज कैन बी टेकन ड्यूरिंग द फील्ड विजिट्स ट्रैकिंग्स पर और टूर्स पर लेके जा सकते हैं कैमरा कैन बी ऑल्सो यूज फॉर स्टूडेंट कैप्चरिंग स्टूडेंट एक्टिविटी जब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को जैसे जू में लेकर गए विजिट में तो जू में बच्चे ने क्या क्या देखा क्या क्या समझा और क्या क्या उनके इंटरव्यूज हम साथ साथ ले सकते हैं कि आपने किस एनिमल को विजिट किया और जब हम लाइव कैमरा में उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो एक अपने में रिसोर्स है तो, एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं जितने भी जैसे पशु पक्षी हैं तो एक एक कैमरे के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उसकी एक्टिविटी की किस तरह का भाव किस जीव पे रहता है जैसे आपने देखा कि मैंने अभी जैसे पढ़ रहा था मैं इसके बारे में तो उसमें देखते हैं कि अहिंसा का भाव जो है जो शाकाहारी जो पशु है उनके जो फेस पे जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा तो कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उसका कौन सा एक्सप्रेशन है और जितने भी जैसे मांसाहारी उस पर रोबदार उस बेचारा टाइप का नहीं मिलेगा उस पर उस पर मिलेगा रोब का और जैसे ही बहुत सारे जैसे कैमरा और मोबाइल आप देखते हैं बच्चों को हम ये भी बता सकते हैं कि जंगली जीव जो है वो अपना टोटल जीवन कैसे व्यतीत करता है शुरू से लेकर लास्ट तक का कि जब उनका जन्म होता तब कैसा है और मृत्यु भी होती है तो कैसा है क्योंकि अब हम बच्चों को ये बात बता सकते हैं कि उनके लिए कोई डॉक्टर कोई माता पिता या कोई अवेलेबल नहीं है लास्ट टाइम पे तो बच्चा उसको क्या है कि अपने उससे जोड़ करके देखेगा कि मैं मतलब मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ सारी टीम खड़ी है लास्ट टाइम पे लेकिन उनके साथ कोई नहीं होता तो उनकी मैं समझता हूँ या तो दूसरा जीव खाता होगा या फिर भूखे मर के उनका जीवन चला जाता होगा क्योंकि लास्ट टाइम पे तो ऐसा तो बच्चा जो है एनवायरमेंट से उसको फिर इतना ज़्यादा जोड़ करके देखेगा और वो कोशिश भी करेगा कि एक रिसर्च इन पे भी की जाए तो जो, जो बच्चे उस टाइप का मेंटेलिटी रखते हैं तो उसकी तरफ भी सब्जेक्ट लेना जैसे गाइडेंस काउंसलिंग की मैंने आपसे चर्चा की तो वो आपके बिना काउंसलिंग करे भी काउंसलिंग हो जाती है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए और इसके प्रति मेरा ध्यान ज़्यादा मतलब उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए तो हम छोटी छोटी एक्टिविटी उसको जैसे बहुत सारे फोटोग्राफर होते हैं तो वो देखते हैं कि फूल जो अपने पिक पे है तो उस टाइम के फ़ोटो क्लिक करे हुए हमें कई बार एग्जीबिशन में दिखाई देते हैं तो हम उन्हें देख करके बड़े खुश होते हैं और बड़ा मन लगता है उनको देखने लेकिन उसके पीछे यदि आप देखें तो ये, ये इन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है कि ये किस टाइम पे लिया गया होगा तो उस टाइम पे लिया और उस प्रकार की उसकी मेंटेलिटी तो हम बच्चों को ये भी सिखाएं कि बच्चों को जैसे फोटोग्राफी सिखाते तो उसके बैकग्राउंड में कैसा है फोटोग्राफी मान लो कर लिए एक फ़ोटो है उसके बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं तो कहीं भी ले लो मान लो सौ फोटो आपने खींचे तो उसके बैकग्राउंड से पता ही नहीं चलेगा तो फिर फोटोग्राफी की आपके जो स्पेशलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी तो ऐसे ही बच्चों को ये सिखाएं कि प्रकृति में के संदर्भ में आप उसके साथ जोड़ करके कि कैमरे का और मोबाइल का प्रयोग इस टाइप से करें कि उसकी हर एक्टिविटी हमारे उसमें रिकॉर्ड हो जाए तो रिकॉर्ड होने के बाद उसको फिर हम जल्दी से ज़्यादा जा, से ज़्यादा एनालाइज़ कर सकते हैं कि जैसे स्टॉप वाच की बात की कि पर्टिकुलर छः बजे तो सूरज का ये रूप था और साढ़े छः बजे ये है तो उन दोनों को वो कंपेयर करके तो उसके जो लॉजिकल थिंकिंग है स्टूडेंट की वो भी ज़्यादा बढ़ेगी तो जैसे मान लो सूरज छिपने का है तो सूरज छिपने का यदि आप रिकॉर्डिंग करोगे तो उसके कितने देर में छिपता है तो उसको आप साथ साथ बता सकते हो और मौसम के हिसाब से भी जैसे जनरली हमें पता नहीं चलता कि अब दिन ज़्यादा लंबे हो गए या छोटे हो गए कब से कब तो उन बच्चों को यदि हम रिकॉर्डिंग में दिखाएंगे तो उसको पता चल इस डेट का तो ये वीडियो है और इस डेट का ये वीडियो है इस टाइम पे सूरज छिपा है इस टाइम पंद्रह मिनट का अंतर जनरली दस मिनट का अंतर तो वो आराम से उसको अंदाज़ा लगा सकता है उसके करने से तो ऐसी कैमरे का भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो हर एक्टिविटी हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि और एक सकते हैं उसको। म, म, कुछ शिक्षकों का ये भी कहना था कि इतना खर्च वाहन कैसे कर सकेंगे बार बार आउटिंग में बच्चों को ले जाना जी तो अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं हाँ उस प्रश्न तो, का अपने आप आंसर आपका फिर वो और बच्चों को दिखा के भी वो बहुत कुछ सिखा सकते हैं बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं बार बार एक ही क्लास को नहीं ले जाया जा सकता है। है। मान लो देख भी लिया देखने के बाद एनालाइज मान लो करना है तो उसके लिए रिकॉर्डिंग हमारे पास जरूरी चाहिए तो जो उसका जो उद्देश्य है आपका संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक बुद्धि का विकास करना तो वो बच्चे की नेचुरल है हैगी हो होगी वो उसकी रिकॉर्डिंग देख करके उसको कर सकते हैं एक क्लास को ले गए आप चार पांच साल के बाद वाले बच्चों को दिखा के पढ़ा सकते हैं हाँ वो उससे भी कर सकता है ये पांच साल तक आप एक थोड़े दिन बाद दिन मान लो जैसे गर्मी का मौसम किसी को दिखाना सर्दी के मौसम में सिखाना तो गर्मी का तो तभी दिखा पाएंगे जब हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं।, नहीं।, तो आपको वेट करना पड़ेगा फिर मान लो बारिश का मौसम है तो बारिश का सिखाना बारिश में बाहर जा नहीं सकता तो उसको रिकॉर्डिंग के माध्यम से ज्यादा सिखा सकते हैं बच्चों को परेशानी ना हो ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी चीजें जैसे सड़क निर्माण है सड़क निर्माण हमेशा तो होता नहीं है लेकिन जब निर्माण हो रहा उस समय का अगर फोटो ले लिया

पेन है पेंसिल है ग्लास है पेपर है मटेरियल्स जितने भी हमारे बनाए गए हैं तो जैसे मान लो आपको ग्लास देखेंगे कि उसमें कितना पानी भरा गया है उससे उसका मेजर करने का तरीका उसको हम देख सकते हैं कि बच्चे सीखेंगे उसका सरफेस बता सकते हैं कितना है आधा भरा है ज़्यादा भरा है कम भरा है गोल है या चपटा है या चौको चौकोर है या तिकोण है तो आप देख सकते हैं कि उसको बच्चों को हम वहाँ के वहीं जो संसाधन हमारे द्वारा बनाए गए हैं उनके माध्यम से भी हम उन सबको सिखा सकते हैं बच्चों को कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कैसे उसको जोड़ करके हम उसको पढ़ाएं कि वो सीख जाए बच्चा क्लास में जो हमारे संसाधन बनाए गए हैं वो भी उनके माध्यम से भी तो और बहुत सारे आप जैसे मैडम चर्चा करेंगे अभी कि कौन से रिसोर्स जो हम जैसे बच्चे मॉडलिंग करते हैं पेंटिंग करते हैं आपके जो हमने बनाए हैं अपने आप तो जो हम संसाधनों को इकट्ठा करते हैं उनके माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश करें तो वो भी एनवायरमेंट में बड़ी हेल्प करते हैं और उसको सिखा उद्देश्यों को पूर्ति करने में बड़ी हेल्प करते हैं हमारी स्कूल का वातावरण है जैसे स्कूल के वातावरण से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश कर सकते हैं तो मैडम आपसे चर्चा करेंगे तो ह्यूमन रिमेड रिसोर्सेज में क्या क्या आता है उसमें टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बनाने के लिए ऑल द रिसोर्सेज विच आर मेड बाई ह्यूमन्स आर कवर्ड अंडर दिस जैसे कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड होता है पेन पेंसिल ग्लास ग्लासवेयर पेपर्स मटीरियल्स डेवलप फ्राम वेस्ट मटी पेपर्स एंड जैसे हम बच्चों को जब लीफ के बारे में पढ़ा रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ा रहे होते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ा रहे होते हैं तो हम लाइव हम बच्चों को बोलते हैं कि लीव्स लेकर आओ या जब हम सॉइल के बारे में पढ़ाते हैं रेड सॉइल लेकर आओ लैटराइट सॉइल लेकर आओ तो ये सभी रिसोर्स जो है लैब्स में हम रखते हैं फिर तो ये सभी रिसोर्स आर कवर्ड अंडर ह्यूमन मिल रिसोर्स दीज रिसोर्स बिकम एंड दे देसो इंक्लूड पॉटरी एंड पपिट जो हम पपिट्स बनवाते हैं बच्चों से और एनलॉगी दीज आर ऑल कम्पोजिशन ऑफ ऑल द रिसोर्स टीचर यूज ब्लैक बोर्ड भी एक रिसोर्स है चॉक डस्टर ये भी एक रिसोर्स है तो जो भी टीचर और स्टूडेंट मिलके यूज करते हैं क्लासरूम में फर्नीचर भी एक रिसोर्स है जिसके माध्यम से हम बच्चों को जिस पर बैठकर हम पढ़ रहे हैं क्लासरूम में वो भी एक टीचिंग लर्निंग रिसोर्स माना जाता है अभी एक छोटा सा ब्रेक ले, ले लेते हैं शिक्षार्थियों ये चर्चा जारी रहेगी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस धय में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस आरोप टीवी पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वक्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा

कभी पढ़े हम कहीं पढ़ें विषय शक्ल लोच से युक्त हो हम कहीं पड़े वे त्रासहित करने रहो को आलोकित करने विक्षार्थियों ब्रेक के पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पर्यावरण अध्ययन में जो संसाधन होते हैं उनका कैसे उपयोग किया जाए और तरह तरह के कौन कौन से संसाधन होते हैं तो मैं चाहूँगा कि उसी चर्चा को हम यहाँ भी आगे बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे कि कौन से संसाधन हम प्रयोग करने जा रहे हैं क्योंकि तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मीडिया का कैसे प्रयोग हो सकता है बेहतर तरीके से आ, हमारी जो आ, साम, आ, सा, सामाजिक जो स्थिति होती है सामूहिक जो स्थिति होती है उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं संस्थाओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है तो मैं चाहूँगा कि इसके आगे की जो चर्चा है उसको बढ़ाएँ हम ह्यूमन मेड मटेरियल्स में और क्या क्या आता है जैसे कि बच्चे से हम चार्ट्स बनवाते हैं रेडीमेड मैप्स लेकर आते हैं ग्लोब मॉडल्स ये सब ई में रोज़मर्रा में काम आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में अदर मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया लीव्स पेबल्स कलेक्ट करना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स कलेक्ट करना दिस इज़ आल्सो कमिंग दिस दिसो कम्स अंडर इन्वायरमेंटल स्टडीज रिसोर्स अंडर इन्वामेंटल स्टडीज़ वेस्ट मेटीरियल ओल्ड न्यूज़ पेपर्स इन्विटेशन कार्ड्स दिस आइसक्रीम कप्स स्टिक्स कैन ऑल्सो भी यूज एज अ टीचिंग लर्निंग मटीरियल फॉर क्रिएटिव टीचर्स यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स से भी यूज़ कर सकती हैं वेस्ट मटेरियल को हम वेस्ट मटेरियल के माध्यम के के प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं कि हमने वेस्ट जो फेंकने वाली चीज़ है उससे हमने यूज़ किया जैसे कि हम मेरे पास एक मैं अपने बच्चे का एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे मेरे बेटे को एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें आ, उसने एक ऑर्गेनाइज़र बनाना था ऑर्गेनाइज़र जिसमें स्टेपलर एक जगह हो घर पे इट्स अ होम ऑर्गेनाइज़र होम ऑर्गेनाइज़र मतलब चीज़ों को यथास्थान पर रखने की हम आदत डालते हैं ना बच्चों को तो जैसे सेलो टेप है स्केच पेन्स हैं और सेफ्टी पेंस हैं ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है घर पे अगर रखना हो तो होम ऑर्गेनाइजर बनाना था तो म, मैंने क्या यूज़ किया आई यूज चॉकलेट बॉक्स जो कि चॉकलेट्स वाज फिनिश्ड लेकिन उसका बॉक्स जो था वो मैं फेंक भी सकती थी आई यूज़ इट एंड आई डिवाइडेड इट इन टर्म्स ऑफ मैंने उसमें चार स्केल लगाए और उसको उसके अंदर डिवाइडर्स लगवाए लगाए और उसके उसको ऑर्गेनाइज़र होम ऑर्गेनाइज़र का नाम दिया और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी कि स्टेपलर पेंस स्टेपलर जितने भी घर में काम आने वाली चीज़ें हैं सभी रिसोर्सेज को एक स्थान पर रखने की एक बॉक्स बनाया जैसे कि हम फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाते हैं बच्चों के लिए तो सोशल साइंस के लिए जब हम ये प्रोजेक्ट देते हैं वेस्ट मटेरियल पर तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम एक साथ रखने की के, के लिए ऑर्गेनाइज़र बनवा सकते हैं तो इन इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो चीज़ हमने फेंकनी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं दस विदाउट क्रिएटिंग एन एक्सेस टू मच रिसोर्सेज टाइम एंड मनी हम ज़्यादा टाइम और मनी नहीं वेस्ट करें उसमें और इनोवेटिव और क्रिएटिव एबिलिटीज़ अगर हम जागृत करें बच्चों में और उससे हम कॉग्निशन भी डेवलप कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज़र कितना ज़रूरी है एक घर के लिए और इसी तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बच्चों के अंदर एक क्षमता जागेगी कि उसको उस जो बच्चे स्किल्स अपने डेवलप नहीं कर सकते जो सामान है स्टेपलर कहीं स्टेपलर पेंस कहीं और जो भी उसको यूज़ करना है जैसे ब्लू स्टिक हो गया इट इज़ ऑल्सो लाइंग समवेयर एल्स लेकिन एक ऑर्गेनाइजर के होने की वजह से घर पर बच्चे के अंदर वो आदत आ जाएगी कि उसको अपनी चीज़ें यथास्थान पर रखने की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी तो ये भी एक तरह का रिसोर्स है प्रोजेक्ट है जो कि हम एज़ अ टीचर दे सकते हैं बच्चों को नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स और उनके कलर्स और साइज को हम स्टडी करते हैं जब पेबल्स जो कि समुद्री पेबल्स हैं उसके लिए हम बच्चों को अगर हम लीव्स के बारे में बताएं तो लीव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हम कलेक्ट करने के लिए उनको बोलें और उससे रिलेटेड क्या हम सिखा सकेंगे बच्चों को पर्पस क्या है यानी कि लर्निंग आउटकम्स हम क्या चाहते हैं तो पेबल्स के शेप साइज हम सिक्वेंसेज बताते हैं दूसरा हम उनको क्लासिफिकेशन सिखाते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स उनकी सिखा उनकी बढ़ती हैं और साथ में डाइवर्सिटी इन प्लांट वर्ल्ड हम लेकर जाते हैं लीव्स जब हम उनको सिखाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है प्लास्टिक कैसे बनता है लीव्स जो हैं वो क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ लीव्स हम सिखाते हैं बच्चों को तो ये सभी चीज़ें लीव्स के अलावा हम फर्नीचर की क्या योगदान है चेयर कैसे बनती है जब हम वुड की बात करें तो हम कॉस्ट ऑफ द चेयर एक चेयर का लाइफ कितना है क्या ये मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है क्या ये एनवायरनमेंट को हार्म करेगा तो ये सब चीज़ें भी हम बच्चों को बता सकते हैं तो हमने इधर एग्जाम्पल लिया है लीव्स का पेबल्स का और ग्लास का अब ग्लास ग्लास इज़ लाइक यू नो इट्स अ ट्रांसपेरेंट ग्लास दैट इज़ यूज इन क्लास रूम तो हम उसका उसका क्या लर्निंग आउटकम है कि हम बच्चों को उसका सरफेस एरिया निकालने की मदद से उस ग्लास की मदद से हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने निकालना है तो हमें सिलेंडर साथ तो नहीं लेके जाएंगे सिलेंडर से कट आउट शेप्स लेके जा सकते हैं तो ये भी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स को मेजर करने के लिए जैसे कि मिल्क वाटर एंड ऑयल हम किस तरह से उसको मेजरमेंट सिखाएंगे बच्चों को वॉल्यूम रिलेशनशिप डेंसिटी रिलेशनशिप किस तरह से पढ़ाएंगे तो थ्रू द कटआउट शेप्स अगर हम शेप्स लेके जाएंगे कि सिलेंडर की शेप होती है इस तरह से दोनों तरफ से जो है सर्कल है और बीच में से इट्स इट्स हैविंग वॉल्यूम और उसकी सिलेंडर का जो हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं पाई स्क्वायर एच यानी कि किस तरह से रेडियस हम सर्कम लेते हैं सर्कल का और दो Uh, जब हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो जो फार्मूला है टू बाई आर एच तो उसको हम डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला भी सिखा सकते हैं तो दीज आर ऑल रिसोर्सेज जो कि हम क्लासरूम में ही रख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंट शेप्स को कट आउट करके कोन लेके जा सकते हैं हम जब हम कोन से रिलेटेड सरफेस एरिया सिखा रहे हैं तो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर वेरी हेल्पफुल वेन दे आर इन द क्लासरूम लाइब्रेरी सो उसके लिए लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस तरह से स्कूल एज अ रिसोर्स यू नो स्कूल किस तरह से और क्लासरूम किस तरह से लाइब्रेरी बन सकती है रिसोर्स हाउस जिसको कहते हैं सो कम टू दिस स्लाइड सीड कलेक्शन लीफ कलेक्शन कैन बी डन पिक्चर कलेक्शन कैन बी डन इन द लाइब्रेरी इन साइड द स्कूल इन साइड द क्लासरूम तो स्कूल ही सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है अपने आप में क्लासरूम भी एक रिसोर्स है तो सीड कलेक्शन का जब हमने सीड का चैप्टर पढ़ाया तो सीड कलेक्शन का एक हमारा कलेक्शन कॉर्नर बन गया लीफ कलेक्शन पिक्चर कलेक्शन मेटल सिखाए तो मेटल कलेक्शन दीज आर ऑल रिसोर्स आर गैदर्ड बाय द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स कॉइन कलेक्शन जब हमने कॉइन्स के बारे में बताया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइंस हम कलेक्ट करेंगे स्टैम्प कलेक्शन जब हम सिखाते हैं बच्चों को पोस्ट ऑफिस विजिट करके तो हम स्टैम्प रेवेन्यू स्टैम्प भी हम इसमें गैदर करेंगे तो एक तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल एंड एज वेल एज क्लासरूम रिसोर्स लाइब्रेरी बन जाते हैं न्यूज़पेपर्स की हम कलेक्शन करते हैं मैगजीन्स की कलेक्शंस करते हैं सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ यू नो वन टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ वेरियस रिसोर्स दैट कैन बी डन एट द द्लासरूम लेवल देन इन द स्कूल वी कैन क्रिएट डिफरेंट कॉर्नर्स यानी कि एक स्टोरी बुक कॉर्नर हो गया एक फाइल कॉर्नर प्रोजेक्ट कॉर्नर कलेक्शन जितने भी प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं वो प्रोजेक्ट में कॉर्नर में आएंगे कलेक्शन कॉर्नर पेंटिंग कॉर्नर जितनी भी पेंटिंग्स हैं जितनी भी ग्रेड्स ने बनाए हैं सभी क्लासेस ने जितनी पेंटिंग्स बनाई हैं वो एक साथ एक रिसोर्स कॉर्नर में आ गए देन वेस्ट मटेरियल कॉर्नर जैसे मैंने आपको बताया जितनी भी वेस्ट एक्टिविटीज वेस्ट मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने की एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें आ जाएंगी क्राफ्ट्स कॉर्नर आर्ट्स कॉर्नर मैथ्स कॉर्नर पजल्स कॉर्नर एक्सपेरिमेंट्स कॉर्नर एक्सपेरिमेंटल कॉर्नर जहाँ जितने एक्सपेरिमेंट साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं टॉयज़ कॉर्नर स्पोर्ट्स कॉर्नर मैप कॉर्नर जितने मैप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं हमारे लाइब्रेरीज में उसको भी हम एक मैप्स कॉर्नर यानी कि एटलस कॉर्नर बना सकते हैं स्कूल में सिमिलरली क्रिएटिव कॉर्नर तो दीज आर कलेक्शंस विद इन द क्लासरूम देन कॉर्नर्स विद इन द स्कूल क्योंकि स्कूल एक बड़ा रिसोर्स है दैन द क्लास तो ये सारे कॉर्नर्स हम स्कूल्स में क्रिएट कर सकते हैं इसके अलावा कौन से रिसोर्सेज जैसे कि स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट प्रोफाइल कॉर्नर इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में बनेगा तो दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स बीन यूज इन द स्कूल्स विलेज प्रोफाइल कौन से विलेज में स्कूल है बच्चे कौन से विलेज से बिलोंग करते हैं स्कूल कहाँ पर है वेजिटेशन किस तरह की उगा उ मतलब उगती है वहाँ पर पेट एनिमल्स रिलेटेड प्रोफाइल इवेंट्स रिलेटेड प्रोफाइल कॉन्टैक्ट नंबर फाइल यानी कि स्कूल में जितने रिसोर्स हैं उनकी कॉन्टैक्ट नंबर्स कम्युनिटी में स्कूल जहाँ पर है उसकी कम्युनिटी में जितने रिसोर्स जितने लोग हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारे काम आते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर फाइल बन सकते हैं तो दिस इज़ अ रिसोर्स फाइल रिसोर्स सेंटर बीन इन क्रिएटेन द स्कूल एंड इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेजर हाउस बिकॉज विदाउट द रिसोर्स देर के नॉट बी एनी ट्रेजर क्योंकि रिसोर्स अपने आप में वो संसाधन है जो एक ट्रेजर है जिसको हमें जो हमें विरासत में मिला है जो हम डेली लाइफ में चीज़ें इसमें जोड़ते जाएंगे वो हम विरासत आगे ट्रांसफ़र करते हैं अपने आगे आने वाली जनरेशंस को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कवर करना चाहती थी आगे आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे नेक्स्ट हाँ, है रोल ऑफ चिल्ड्रन एंड कम्युनिटी इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स पोल कि विद्यार्थी का भी अपने आप में एक वो संसाधन है और उसका कम्युनिटी में उसका भी अपना एक रोल है तो हम इसी के उदाहरण से हम लेंगे कि विद्यार्थी को भी क्या क्या करना चाहिए तो विद्यार्थी भी ये कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा समाज से सीखने क्योंकि जो वातावरण है उसका उसी से बात कर रहे हैं हम उसी की हम बात करते हैं तो आपके मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आपके असाइनमेंट 505 में भी एक, एक स्टोरी है जो बड़ी ए, मतलब शिक्षा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें हमारे बच्चों को कि एनवायरनमेंट से कैसे अपने आप को कैसे रिलेट करना है और कैसे अपना चारों तरफ का एनवायरमेंट अच्छा बनाना है तो जैसे उसमें किसी रामपुर गाँव की एक स्टोरी है एक बच्चा देखता है कि प्लॉट कोई स्कूल के पास में खाली है तो उस खाली प्लॉट को वो स्कूल के लिए उपयोग करना चाहता है स्कूल के लिए प्रयोग करना चाहता है तो वो उसका एक प्लान है पूरा तो वो होता क्या है कि पहले वो सरपंच के पास जाएगा क्योंकि किसी का अधिकार है उस प्लॉट पे तो वो ग्राम पंचायत का भी हो सकता है तो सबसे पहले जो गांव का जो मुखिया होता है उससे बात की जाती है तो बच्चा सरपंच के पास जाता है तो उसको ये मनाने में कामयाब हो जाता है कि ये प्लॉट हमें मिल जाना चाहिए ताकि स्कूल के काम आ सके और वो सरपंच उसको इजाज़त दिलवा देता है तो इससे यदि हम सीखने का यदि प्रयास करें कि देखें कि एनवायरनमेंट से कैसे उसको रिलेट करना है कि आप देखिए कि कैसे कम्युनिटी में कैसे बात करनी है लोगों से कैसे सरपंच को मनाना है और कौन कौन सी ऐसी परमिशन लेनी होगी जैसे सरपंच से परमिशन ली उसके बाद हम पटवारी से उसे कोशिश करेंगे पता करेंगे कि ये ज़मीन कहाँ की है और कितनी है तो उसका मापन कैसे करेंगे पटवारी से कैसे रिलेशन बनेगा उससे कैसे बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे रेवेन्यू के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं तो ये सारा का सारा रिलेशन बच्चा जब खुद करेगा तो अपने एनवायरनमेंट से धीरे धीरे सीखेगा कि कौन कौन लोग हैंडल करते हैं और उन लोगों से हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ले ले हेलो सर तो नमस्कार नमस्कार जी जी बताइए हाँ सर हमने सर नमस्कार हाँ, बताइए हाँ, हमने बच, हमने बच्चों को विभिन्न प्रकार की हमने बच्चों को विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ फूल पत्तियों का कलेक्शन करने को दिया हाँ। सर कुछ जगह तो वो अवेलेबल हो जाता है शहरी क्षेत्र में अवेलेबल नहीं हो पाता कुछ बच्चे इधर उधर से करके लाए लेकिन कुछ नहीं करके लाए अब ऐसी स्थिति में हम बच्चों को कैसे पूरा ज्ञान दें उनको यहाँ पे टीचर का रोल है यदि बच्चे बाहर से ले आए तो हमें बच्चे लाएंगे कौन सा सामान्यतः आम का पेड़ मान लो जामुन का पेड़ या कोई और गेंदे का फूल या गुलाब का फूल तो और कोई बड़े जो हैं समाज के व्यक्ति और टीचर जो है निश्चित है कि उसको बच्चे से ज़्यादा ज्ञान होगा तो मैं ये समझता हूँ कि अध्यापक का रोल यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो ना भी हो तो बच्चे यदि लाएं और उसको कोशिश करें वो ये जानने का प्रयास करे कि ये कौन कौन से तो बच्चों से पहले हमारी ड्यूटी हो जाएगी कि ये कौन उसको क्लासीफाई करें अलग अलग कि कौन सा पत्ता किस पेड़ का है नहीं भी पता हो, होता है बहुत बार नहीं बहुत से टॉपिक हमें नहीं भी आते हैं तो लेकिन ऐसा नहीं कि हम बच्चे को इग्नोर कर दें या उस टॉपिक को इग्नोर कर दें तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम कहीं से भी लाएं उसका ज्ञान इकट्ठा करके फिर बच्चे पर ट्रांसफ़र कर दें उसको अगर शहर की बात ये कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि जो चीजें उपलब्ध हों ये उदाहरण दिया गया एक जी है ना हाँ। आपके पास जो भी उपलब्ध हो उन्हीं साधनों को आप इकट्ठा करें और उसके बारे में ज्ञान दें हाँ नहीं मिलता है तो जरूरी नहीं है हिमालय से संजीवनी लेकर के सिखाना है तो जो स्कूल में एज ए रिसोर्स तो हमें मेन तो स्कूल है हमारा तो स्कूल को जितना भी उसको संसाधन बना सकते हैं तो स्कूल को ही लेकर के हम साथ साथ चलें और स्कूल में ही ऐसे पेड़ पौधे और उनको उगाने का प्रयास करता है हाँ फिर वो अपने आप ही पत्ते भी मिलेंगे और हमें यह भी पता होगा कि हमने किस चीज़ का पेड़ लगाया है तो लगाने से पहले निश्चित है कि बच्चा भी और कोई भी व्यक्ति लगाता है तो बिना उसके ज्ञान के तो नहीं लगाता है कि ये कौन सा पेड़ होगा कौन सा नहीं तो हम स्टोरी की बात कर रहे थे तो जैसे ही बच्चे ने लिया तो लेने के बाद वो जैसे स्कूल के अंडर में आ गया तो स्कूल के अंडर में आने के बाद अब उसमें जो बाहर की जो एनवायरमेंट था उसका उससे तो उसका बच्चे ने सीख लिया सारा कि कैसे सोसाइटी में जाना है और कैसे किन लोगों से बातें करनी है और कैसे उसको स्कूल में लेकर के अब प्लॉट लेने के बाद मान लो स्कूल में की ज़मीन में शामिल कर लिया तो उसे हमें ये भी सीखना है कि अब लेकर के जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की है जहाँ तक वो बस सरपंच तक भी गया है बात की है तो उसके निश्चित है कि स्वाभाविक रूप से उसको ये भी जिज्ञासा होगी कि अब उसका प्रयोग कैसे किया जाए उस प्लॉट का तो उसमें वो मैदान खेल का मैदान भी बना सकता है तो खेल के मैदान में भी यदि एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप देखोगे तो वहाँ तो वो नहीं जाएगा जहाँ पर पेड़ पौधे खड़े होंगे या अच्छा पार्क बना होगा तो जहाँ पर वो मैदान बना सकते हैं वहाँ पर उसका प्रयोग करने का कोशिश करेगा और जब मैदान बनाएगा तो मैदान में भी कोई एक चीज़ बच्चा नहीं सीखता है तो वो सारी चीज़ें सीखेगा कि फुटबॉल का यदि मैदान बनाना है तो उसका कितना एरिया होगा यदि हमें वॉलीबॉल का मैदान बनाना है उसका कितना एरिया होगा क्रिकेट के लिए बनाना है तो कितना एरिया होगा तो ये सारी बातें वो सारी साथ साथ सीखता चलता है और उसके लिए कौन कौन से संसाधन इकट्ठे करने होंगे जैसे कि बताया कि स्कूल में कॉर्नर बनाए गए तो उससे ये भी ज्ञान होगा बच्चे को कि हमारे स्कूल में कौन कौन सी लैब है और कौन से संसाधन मौजूद हैं तो उसको वो भी करने आएंगे बच्चे को कि इस प्रोजेक्ट को यदि वो लेकर के चलेगा केवल एक बात वो नहीं सीखेगा बहुत सारी बातें वो साथ साथ ले करके चलेगा और अध्यापक उसके साथ साथ होगा अध्यापक अपने आप में संसाधन है उसको पता है कि हमारे यहाँ पर खेलने का मैदान के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज़ हैं और पढ़ने के लिए मान लो ज़रूरत है तो पढ़ने के लिए कौन से रिसोर्सेज़ की आवश्यकता होगी कि उसको बनाने के लिए कैसे बनाया जाएगा और कहाँ कहाँ कैसे उसको स्कूल के लिए यूज़ कैसे किया जाएगा तो स्टोरी एक छोटी सी है कि हाँ प्लॉट था एक खाली प्लॉट ले लिया लेकिन एक बात ही पर नहीं रुक जाता है उससे बहुत सारे चारों तरफ का एनवायरमेंट एकदम से हमारे साथ जुड़ना शुरू करता है तो जो बातें विरोध के लिए हुई बच्चे के लिए नहीं देने के लिए वो भी वो सीखेगा और जिन माध्यमों से उसने वो उसको कलेक्ट कर लिया है वो भी वो सारी की सारी बातें सीखेगा और अच्छा, अब उसके अच्छा, प्रयोग करना अच्छा मैनेजर तो जरूर बने हाँ एक तो तो अच्छा मैनेजर मतलब मैनेज करना सीखेगा और अब उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे प्लॉट की का सदुपयोग कैसे करना है क्योंकि कहना एक अलग बात होती है लेकिन उसको अब सदुपयोग करके भी दिखाना है तो बच्चे के अंदर ये भावना आएगी कि हाँ मैंने इतनी मेहनत से किया है और अब उसको अच्छे से सजा करके रखो जैसे बच्चे पेड़ लगाते हैं तो हमने देखा होगा जनरली बच्चे जो पेड़ में पानी देते हैं तो जो पेड़ उसने लगाया है खुद तो उसके खाद पानी इकट्ठा करने के लिए जो वो रिसर्च करता है उस रिसर्च का कोई मुकाबला नहीं है नहीं। तो वो सारे के सारे संसाधन इकट्ठे करता और कोशिश और मान लो बाई चांस पेड़ किसी वजह से सूखने लगा या अच्छा नहीं चल रहा है तो वो सारे आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको टटोल डालता है कि मेरा पेड़ कहाँ गुरु जी तक पहुँच जाता है कि कहाँ सर गड़बड़ रह गई तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी साइंस है और उस छोटे से बच्चे के अंदर एक रिसर्च करने का शोध करने का एक अपने आप ही स्वाभाविक रूप से संस्कार उत्पन्न हो रहा है हम लोग छोटे तो, थे तो गुलाब के का कली लगती थी उसका वो लगता था कटिंग क्या कहते हैं उसका हाँ, वो उसको लकड़ी उसकी काट के एक तो वो लगा देते थे तो बहुत टाइम करते है, तो वो हाँ, वो फिर अपने आप हाँ, अपने आप बहुत टाइम लगता था उसमें तो हम लोग सोचते थे अब मर गया अब खत्म हो गया खत्म अचानक एक दिन कलम कलम, कलम लगाना तो एक दिन अचानक फिर देख रहे हैं कि पत्ते आ रहे हैं तो इतनी खुशी हुई बताइए फिर एक हाँ तो, नया पौधा अब, अब आप इसी को देखोगे तो कि मान लो बीस दिन बाद आया हाँ। तो उसमें केवल वो पत्ता आने तक ही आपकी सीमित नहीं है शिक्षा बीस दिन का टोटल रिसर्च उसपे है कि किस दिन कौन सा प्रभाव होता है और मौसम का सारा का सारा तो जब आप देखेंगे कि बच्चा बच्चे को इन्वॉल्व करें जैसे क्वेश्चन भी आया था क्रिया आधारित शिक्षण पे यदि हमें बच्चे को ले जाना है तो यही है क्रिया आधारित तो सारा का सारा यदि हमें उनको सिखाना तो मान लो ब्लैक बोर्ड पे आप बच्चे से लिखवाइए तो जब उसे साफ नहीं लिखा जाएगा बच्चे से तो वो अपने आप ही आपके पास उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएगा कि बच्चे सर साफ नहीं आ रहा है तो चौक में कमी है या बोर्ड में कमी है तो उन संसाधनों को कोशिश करेगा ज्यादा ज़्याद से ज्यादा अच्छा बनाने की और मान लो आपने उस पर पे पेंट करा दिया और कल यदि कोई दूसरा बच्चा उसको खराब करने का प्रयास करता तो वो बच्चा जिससे आपने लिखवाया था और जिसने उसको सही करने का प्रयास किया तो वो रोकेगा उसको क्योंकि उसे पता है कितनी मेहनत से और इसमें क्या सही क्या हुआ है और यदि हमने ख़राब कर दिया तो उसका ख़राब होने के क्या चांस है ज़्यादा तो वो बच्चे को हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी एक रिसोर्स बनाएं अच्छा रिसोर्स ताकि वो स्कूल को एक, एक, एक अच्छा रिसोर्स बनाने में और दूसरे बच्चों को सिखाने के लिए हेल्प करने की कोशिश करें तो आज हमने सीखा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रिसोर्सेज को कैसे यूज करें और कैसे उसका लाभ क्या होगा तो सबसे मेन लाभ यही है कि ज़्यादा जब हम कोशिश करते लर्निंग बाय डूइंग पर ले जाते हैं और संसाधनों को अच्छे से प्रयोग करके सीखते हैं तो बच्चे की जो लर्निंग है एक ऑब्जेक्टिव आता है लेसन प्लान में कि ज्ञान का दृढ़ीकरण तो ज्ञान का दृढ़ीकरण तभी होगा कि जब पक्का ज्ञान तभी होगा करत करत अभ्यास के एक जड़मती हौसोजान वाली जो बात है कि जब बच्चा उसे बार बार करके सीखेगा और संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेगा तब उस बच्चे को सीखने में या लर्निंग जो है उसकी ज़्यादा अच्छी होगी अचीवमेंट ज्यादा स्थायित्व आएगा तो उन संसाधनों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें एज ए टीचर और स्कूल को भी एक संसाधन के रूप में विकसित कर दें अपने आप को भी विकसित कर लें विद्यार्थी को भी विकसित कर दें बाकी जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं वो तो उनको तो कभी भी हम विकसित कर लेंगे यदि हम विकसित हो गए तो दूसरे संसाधन भी अपने आप में विकसित हो जाएंगे जी जी ऐसा मेरा मानना है तो अंत में मैडम क्या कहना चाहेंगे कि ये जितने आपने बताए तरह तरह की चीजें इनका मतलब प्रयोग किस तरह से शिक्षक करें देर आर सोशल एडवांटेजेस ऑफ दीज रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों के सामाजिक लाभ जिसको हम इस तरह से सीख सकते हैं कि जितने भी जितने भी रिसोर्सेज हमने गैदर किए हैं एक स्टूडेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाती है सोसाइटी के साथ और नेबरिंग कम्युनिटी के साथ जब वो संसाधनों को जोड़ने चलता है टीचर के डायरेक्शन पर तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप बन जाती है उसकी नेबरिंग कम्युनिटी के साथ और स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका कनेक्ट हो जाता है वर्ल्ड आउटसाइड तो ई का मेन इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग आउटकम है वो यही है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कि बच्चे की रिलेशनशिप उसके इन्वायरमेंट से बन जाए दूसरा स्टूडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ देयर इमीजिएट इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स जो हैं अपनी इमीजिएट सराउंडिंग एनवायरमेंट से जुड़ जाते हैं तीसरा स्टूडेंट्स आर सेंसिटराइज्ड टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ देयर इमीजिएट इन्वायरमेंट ना कि वो जुड़ जाते हैं और सेंसिटिव भी हो जाते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड बिकमिंग कॉन्शियस एज अ स्टूडेंट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ जब वो कॉन्शियस और सेंसिटिव हो जाते हैं टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल इशूज़ और उनकी अपनी एन्वायरमेंट को बचाने के लिए कंजर्व करने के लिए कोई भी स्टेप्स उठाते हैं तो दैट इज़ द मेन सोशल एडवांटेज ऑफ लर्निंग अबाउट रिसोर्सेज संवेदनशील हो जाता है yeah. तो इन ऑर्डर टू गेन दीजल ऑब्जेक्टिव टीचर मस्ट हैव द नॉलेज एंड स्किल्स टू आइडेंटिफाई डेवलप एंड यूज लोकल लर्निंग रिसोर्सेज तो स्टूडेंट्स की मदद से जब टीचर उस लर्निंग रिसोर्स को क्रिएट करती है इन एनवायरमेंटल स्टडीज में तो स्टूडेंट्स जो हैं खुद भी सक्षम होते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं सेंसिटिव भी हो जाते हैं इन्वायरमेंट के प्रति तो यही मेन उद्देश्य है एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाने का कि स्टूडेंट्स कॉन्शियस हों सेंसिटिव हों और अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें तो क्योंकि ये जो रिसोर्सेज जो हमने स्कूल में क्रिएट किए हैं या कंजर्व किए हैं वो बाहर भी होने चाहिए कम्युनिटी में भी जो रिसोर्सेज हैं वो भी ख़राब नहीं होने चाहिए उसको कोई भी डिस्ट्रॉय ना करे तो उसके लिए भी वो कॉन्शियस हो जाते हैं सो so, जी स्कूल तो भी अपने आप में एक सोसाइटी है जी जी तो स्कूल तो को लेकर चले स्कूल भी अपने आप में एक रिसोर्स है और अगर सामाजिक बंधन बढ़िया है अगर समाज का तो वो मजबूत रिसोर्स हो सकते हैं जैसे हम लोग बात कर रहे थे एक ग्रामीण समाज का वो तो अपने आप पूरे स्कूल के लिए निर्माता हैं एक तरह से वो हर हर स्तर पे सहयोग करेंगे आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी और बच्चों के लिए जो साधन कह रहे थे अभी आप कहानी वो सब भी उपलब्ध है सारे गाँव वाले बहुत हेल्प करते हैं जी ऐसे सोसाइटी तो के बच्चे ही उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो निश्चित है है कि उनके संवेदनशीलता जुड़ी हुई साथ जी तो शिक्षार्थियों इस तरह से आपने देखा कि आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन में संसाधनों का क्या उपयोग है उसके बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे थे और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर पवन कुमार जी और मिस उपासना चौधरी जी का कि आप लोगों ने विस्तार से इस विषय को हमारे समक्ष रखा और मुझे लगता है कि जो शिक्षार्थी इसे सुन रहे हैं उन्हें अवश्य लाभ हुआ होगा इसी तरह से हम अगले दिन भी फिर नए कार्यक्रम के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद